चालू कर सकते मालिक। बढ़िया मालिक, तोड़ मालिक। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस मैम, आते आते। तोड़ मालिक, सो गुड इवनिंग मालिक, गुड इवनिंग मैन, गुड इवनिंग। अरे आवाज ही नहीं आ रही बे। अच्छा मैं ऑनलाइन वाले तुमसे ही बात कर रहा हूँ, इधर तो कोई है ही नहीं, बैठा ही नहीं इधर, कोई 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 लोग है ही नहीं, मैं भूल जा रहा हूँ, मैं सब सब भूल जा रहा हूँ, कोई नहीं। कैसे हो दोस्त? अबे गुड इवनिंग सालो, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूँ कि तोड़ कर रहे होंगे। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज आवाज देख रहे भाई, आवाज 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 आई, आवाज आवाज। तो तोड़ मालिक, तो भारत माता की, तोड़ मन। तो पहला पॉइंट मेरे को बताइए, क्या डेफिनेशन लिखा आपने कल, क्या डेफिनेशन में, क्या डेफिनेशन लिखना था और दूसरा क्या लिखना था? तीन डेफिनेशन लिखने थे आपको, कौन से तीन डेफिनेशन थे? पहला पॉइंट लिखोगे स्ट्रैटेजी, दूसरा था मैनेजमेंट, तीसरा था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, तीन पॉइंट थे और उसके बाद आपको लिखने थे स्टेजेस। दोनों में कॉन्सेप्चुअली अलग अलग पॉइंट्स है मालिक। ओके, तो पहले मेरे को बताइए व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ क्या? डेवलपिंग विजन, पक्का? उसके बाद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, बस इधर तक ही। लेकिन इधर एनालिसिस के बारे में लिखोगे नहीं, एनालिसिस का कहां पर लिखना है, डेफिनेशन में या प्रोसेस में? प्रोसेस में, डेफिनेशन में एनालिसिस के बारे में जिक्र नहीं करने का मालिक। ओके, तो डेफिनेशन वापस आते हैं, इट इज ए मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग और डेवलपिंग विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, एंड लास्ट क्या करने का? इम्प्लीमेंटिंग जब मैं बोल रहा हूं तो इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग, उसके बाद क्या करने का? करेक्टिव एक्शंस एंड एडजस्टमेंट्स, करेक्टिव एक्शंस एंड एडजस्टमेंट। लिखा क्या मालिक? एवरीबॉडी देख के लिखा या बिना देखे लिखा? बिना देखे, पक्का? आप टेंशन मत लो, 19-20 रहना चलता मालिक। ओके, आपको चिंता करने का विषय नहीं है, एक बार स्टार्ट करो प्रोसेस इंडिविजुअली, 19-20 होने दो चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली लिखा होना चाहिए मालिक। आत्मा तोड़, क्लियर है? करे ठीक है। दूसरा, एसएम प्रोसेस में कितने स्टेप्स लिखे? ऐसे तीन लिखे, कितने प्रोसेस थे? पांच, पांच के नाम। पहला पॉइंट डेवलपिंग विजन, अगर आप देखोगे तो पहले इसमें डेवलपिंग विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऐसे कॉन्सेप्ट था, ठीक है, लेकिन डेवलपिंग विजन। दूसरा पॉइंट क्या लिखा? एनालिसिस, एनालिसिस के नाम क्या थे? दो थे, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं था, इंटरनल एक्सटर्नल अपन डिस्कस कर रहे थे, दूसरे दो वर्ड थे एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। कौन से दो नाम थे? एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, ये एनालिसिस करने का। तीसरा नाम क्या था? क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी। चौथा नाम क्या था मालिक? इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी। आत्मा क्लियर है? एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपने जो देखा होगा, ओके, जो कहीं ना कहीं देखा होगा, दैट इज बेसिकली इवैल्यूएटिंग और टेकिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट, ठीक है। ओके, मेरा चर्चा का विषय या मेरा डिस्कशन का विषय यहां पर चल रहा है, एक मिनट है मालिक, मेरे चर्चा का विषय, मेरा डिस्कशन का विषय मालिक। ओके, वापस बताइए एक बार मेरे को, स्टेप बताइए, पहला स्टेप, स्टेप बताइए या डेफिनेशन जो भी है, मुझे पांच स्टेप बताइए। पहला पॉइंट डेवलपिंग विजन, ओके, दूसरा पॉइंट एनालिसिस, और अगर मैं डेफिनेशन लिखता तो एनालिसिस की जगह क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव्स। ये कुछ समझा क्या सबको? अरे हाँ या ना। ओके, तो अगर मैंने आपको बोला स्टेजेस इन एसएम, बताइए स्टेजेस इन एसएम, स्टेजेस इन एसएम, स्टेजेस 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 इन एसएम, आप बताइए तो आप क्या लिखोगे? एनालिसिस लिखोगे या ऑब्जेक्टिव लिखोगे? एनालिसिस लिखोगे या ऑब्जेक्टिव लिखोगे? एनालिसिस। एवरीबॉडी क्लियर? अरे हाँ या ना, पक्का? ठीक है, तीसरा मेरे को बताइए क्या करने का? क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, क्लियर मालिक? ठीक है, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी के बाद अगला पॉइंट इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, एंड इसके साथ इवैल्यूएशन भी है, लेकिन उसको आप इग्नोर करिए अभी के लिए। एंड लास्ट पॉइंट है करेक्टिव एक्शंस लेने का। अब मेरे को बताओ करेक्टिव एक्शन कब लोगे? जब इवैल्यूएशन करोगे तभी होगा ना, नहीं तो होगा ही नहीं मालिक। ठीक है, चलो सबसे पहले मेरे को बताओ विजन। ओके, विजन अगर देखा जाए तो बहुत लंबा वाला कॉन्सेप्ट होता है, आज से मुझे 10 साल के बाद क्या करना है वो विजन का कॉन्सेप्ट है।
कल अपन विजन के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। विजन कैसा होना चाहिए, विजन कैसे रखे, विजन क्या रखे, विजन के एसेंशियल्स क्या होंगे, आप ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। दूसरा पॉइंट, विजन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जब तक अपन विजन को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे ना, तब तक अपन अचीव नहीं कर पाएंगे। आप बोलोगे एक विजन ही रखते और विजन के हिसाब से ही चलते रहते हैं, पॉसिबल नहीं है मालिक। तो अपने को विजन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। किसमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है मालिक, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक डाउन किया। उसके बाद और डे टू डे काम करोगे उसको अपन क्या बोलते हैं? मिशन। मिशन में आपने को ज्यादा डिस्कशन पॉइंट नहीं आता, लेकिन मिशन कॉन्सेप्ट होता है मालिक। अच्छा, अब ये विजन जो मैंने बनाया, ओके, मैंने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाया, आपको क्या लगता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही अपने आप अपने मन किया वैसे बना देंगे, या मैंने एनालिसिस करके बनाना चाहिए? एनालिसिस। एवरीबॉडी क्लियर? अच्छा, कौन से एनालिसिस करने चाहिए? दो एनालिसिस। कौन से दो एनालिसिस बताए थे मैंने कल? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सारी आत्मा को याद आ रहा करे? अरे हावड़े लोग समझ में आ रहे करे? हावड़े लोग मतलब जो ठूस रहे हैं, खा रहे हो, खाओ खाओ भाई, लेकिन साथ में आंसर भी दो रे। अरे हाय ना, ओके, जो भी हावड़े लोग हैं, जो खा रहे ठूस रहे, वेफर ठूस रहे, इधर उधर ठूस रहे, यार वो वेफर का थोड़ा टुकड़ा बाजू में निकाल कर रख देने का, ओके, नहीं आजू बाजू वाला नजर लगा देगा, मां कसम अल्लाह कल पेट दुखेगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए भाई। तो मेरे को आंसर चाहिए, मेरी आत्मा, सारी आत्मा आंसर चाहिए। सुनो रे, मेरे को बताओ एनालिसिस करने में चार नाम दिए थे, कौन से चार नाम थे एनालिसिस में? स्ट्रेंथ, नहीं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा ये मेरा स्ट्रेंथ है? जब वो किसी का वीकनेस होगा, मुझे क्या मालूम पड़ेगा मेरे वीकनेस कौन से है? जब वो किसी का स्ट्रेंथ होगा, ये आपको समझना जरूरी है अभी से, ओके। मेरे को बताओ मार्केट की अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। अच्छा, ओके, अभी के जानकारी के लिए एनालिसिस करने का, स्वॉट में अपन अभी आज जिक्र नहीं करेंगे ना, मेरे को अगले हफ्ते तक भी स्वॉट में जाना नहीं है, मेरे को 2-3 हफ्ते के बाद दिसंबर एंड में अपन स्वॉट के बारे में देखेंगे, एनालिसिस के बारे में। मैं थोड़ा सा वियर्ड वे से जाता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा वियर्ड वे आपको एनालिसिस में कैसे काम करेगा आप देख लेना। दूसरा पॉइंट अपन रहेगा एनालिसिस। तीसरा कॉन्सेप्ट अपन क्या करेंगे? क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी। मेरे ख्याल से कल के एंड ऑफ दैट पॉइंट में समझा स्ट्रेटजी बनाना मतलब क्या हुआ। कौन सी स्ट्रेटजी? नाम बताइए स्ट्रैटेजी, नाम बताइए। चार तो नाम तो आने चाहिए ना। स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टमेंट हो गया उसके अंदर, डाइवेस्टमेंट हो गया, एंड लास्ट कॉम्बिनेशन। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, अब ये कौन सी स्ट्रैटेजी हुई? कॉर्पोरेट। अगर ये डिसीजन मेकिंग बिजनेस लेवल कर रहा होगा तो, अगर ये डिसीजन मेकिंग बिजनेस लेवल कर रहा होगा तो ये तीसरे में क्या आएगा? अगर ये बिजनेस लेवल कर रहा होगा तो तीसरे में क्या आएगा? नहीं, मार्केट पेनिट्रेशन नहीं हो मैडम। ओके, मार्केट पेनिट्रेशन किसमें जाता है? एक्सपांशन। वैसे मैं बोल रहा हूं बिजनेस लेवल कर रहा है, बिजनेस लेवल तो क्या करेगा? परफेक्ट, कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, बढ़िया बढ़िया मालिक, कल इधर तक एंड किया था मैंने, ठीक है, ओके। अभी अपन ज्यादा हेडेक नहीं करते, अपन एक बेस को पकड़े चलते हैं। मैं बोल रहा हूं एक्सपांशन करना है, एक एग्जाम्पल देता हूं मेरे को आपको, ओके, दो एग्जाम्पल लेते बेकायदा, ओके। पहला एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, मैंने मुंबई और पुणे क्लास चालू की, ओके, अब मुझे एक्सपांड करना है और मैं सोच रहा हूं हैदराबाद क्लास चालू करूंगा। दिस इज कॉल्ड विच मॉडल? न्यू मार्केट। एवरीबॉडी क्लियर? न्यू मार्केट एंड विच प्रोडक्ट? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक? तो मेरे को बताओ ये क्या था? मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन नहीं है मालिक, मार्केट, ओके, एवरीबॉडी क्लियर? अच्छा, और एक चीज मैं आपको समझा दूं सारे जनों को, पंडर लोग एकदम तोड़ ध्यान रखो, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा होता होगा शायद आपको एक 19-20 लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा नहीं सर, इधर मार्केट डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, मार्केट पेनिट्रेशन होना चाहिए, इधर मार्केट पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए, इधर मार्केट डेवलपमेंट होना चाहिए। आपकी फीलिंग को आप अपने पास रखिए, अपन इसको इवैल्यूएट करेंगे, आप चिंता मत करिए, आपके पॉइंट को मैं कंसिडर करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा अभी कि आप किधर गलत जा रहे हो। बस ये सारी चीजें क्लियर होगी जब अपन चैप्टर में घुस जाएंगे। अभी अपन चैप्टर वन पे, चैप्टर वन सबसे छोटा चैप्टर है, 5 चैप्टर की सीरीज है। आज मैं ये जैसे ही खत्म होगा मैं आपको बता दो 5 चैप्टर कैसे अपने सिलेबस के, 5 चैप्टर है, बेस्ट सिलेबस है। मैं आपको बता रहा हूं अगर आपके जो 6 पेपर है, 6 पेपर मैं बोल रहा हूं लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो 8 पेपर है। 8 कैसे हुए? जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्स एंड एफएम एंड एस, मैं मार्क कसम बोल रहा हूं 8 पेपर में से सबसे बेहतरीन पेपर अगर एसएम ने निकला तो नाम बदल देना। बट द ओनली थिंग इज कंडीशन क्या है? लेक्चर अगर आपने मिस किया, आप खाली ये सोच रहे हो कि भाई मैं रट लूंगा, मैं मैराथन देख लूंगा, मेरे पास चार्ट है, 10 पेज का चार्ट है, मैं रट लूंगा, आराम से आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं रटना काफी नहीं है आपके लिए, ओके। अगर आपने खाली रटने के ऊपर ध्यान दिया, रटना जब मैं बोल रहा हूं तो रटना समझा गया? हाँ, अच्छा, अब्बा डब्बा चब्बा, अच्छा मेरे कितने स्टेप्स है? 5 स्टेप्स है, मेरे को याद रह गया सर, ओके। ये लिखित पॉइंट है, आपके 50 मार्क में से 15 मार्क पहले उड़ा दीजिए, फिर
पहले उड़ा दीजिए, पहले मतलब आप ज्यादा रुक सोचिए भी मत, पहले 15 मार्क उड़ा दीजिए, क्योंकि रटने से 15 मार्क का कुछ काम नहीं होगा। ओके बचा 35 मार्क, 35 मार्क में से मार्क कसम बोल रहा हूं अगर तेरे दो क्वेश्चन भी सीधे वाले आए ना तो बच जाएगा तू, यानी तेरे 35 मार्क में से तू हार्डली कुछ 8 से 10 मार्क लिख पाएगा अगर तू खाली ये सोच रहा मैंने चार्ट बुक बना ली, चार्ट बुक मेरे 10 पेज हो गए, मैंने नोट्स बना लिए, ऐसे ऐसे एक पॉइंट लिख लिए और ये सब रट लिया। तुझे सिर्फ एक चीज करनी है और वो है तेरे को मेरे को इज्जत से 50 घंटे देने हैं जो दिन है, और 50 घंटे के बाद जब मैं क्वेश्चन बैंक बोल रहा हूं उसको भी इग्नोर नहीं करना है। अगर तूने ये नहीं किया मेरा ऐश्वर्य, अरे भाई सिलेबस अगर मैं तेरे को बोल रहा हूं लास्ट डे पे तेरे को 1.5 घंटे में खत्म करके दूंगा, 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स पूरा सिलेबस, और मैराथन बोल रहा हूं मैराथन तो मैं 3 घंटे की बात कर रहा हूं। पुराने सिलेबस में 8 चैप्टर था, पुराना मैराथन आप जाके देखिए 4 घंटे में पूरा मैराथन डिटेल्ड, एक एक वर्ड मॉड्यूल का बोला होगा मैंने, आप इमेजिन करो फिर तो क्या सिलेबस कैसे भी कर सकते, पर वैसा नहीं होता वो। बस आप इस फॉर्मेट में रखिए, मैं आपको बोल रहा हूं आपको ये सब्जेक्ट को बहुत बेस्ट लाइन करूंगा, बस इतना प्रॉब्लम है कि आपको जैसे अभी कंफ्यूजन होगा किसी को अभी एग्जांपल, ओके मैंने आपको बताया कि शैम्पू का पाउच निकालना, कोई सोच रहा होगा ये कोई बोल रहा होगा ये मार्केट पेंट्रेशन है, कोई बोल रहा होगा ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कोई सोचता होगा मार्केट डेवलपमेंट है, इसके एग्जांपल अपन डिस्कस करेंगे ये समझाने के बाद मेरा, मैं उसके लिए रुका हूं। पर ऐसा है कि ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा होगा, कहीं पर भी कोई डाउट है अपना वैसे भी लास्ट लेक्चर है, ओके 7:15 के बाद आप मेरे को मिलिए, मेरे को पूछिए, मैं डाउट सॉल्व करता अच्छे से, वैसे तो मैं क्लास में सॉल्व ही कर रहा हूं आप देख लो, मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको लग रहा है नहीं भाई मेरे को और क्लैरिटी चाहिए, पर ये ना क्या प्रॉब्लम है तू किधर, मतलब तू आराम से सबका शॉर्ट मतलब एकदम आराम से है, सपोर्ट बहुत तोड़े मालिक, सर नहीं नहीं मेरे को जाना रहता है, मेरे को होटल में कुछ खाना रहता है, तो मैसेज कर, व्हाट्सएप है ना ग्रुप, है ना व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस डाल, मैं डालता ना उसमें कॉन्सेप्ट, अरे मैं तो कभी भी जिंदगी में पूरे जिंदगी इसी पे सॉल्व करने में बैठा हूं यार, और मेरे को ये मजा आता है, मतलब ये नहीं है इसलिए नहीं कि मेरे को बर्डन है या इसलिए नहीं कि मेरे को अरे बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल तो छोड़ दे, बिजनेस के धंधा कब करना था मालूम है क्या, 2010-11 में जब मैं टीचिंग में आया, हाँ भाई अभी उम्र निकल गई रही अभी तो, मतलब ये एरिया में रह रहे के अब लाइफ का, ओके दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट मॉडल ऑफ लाइफ, ओके व्हेन यू बिकम ए सीए, ओके व्हाट एवर योर एज विल बी, इट विल बी 22, 23, 21, कोई 20 में हो जाए, कोई 19 में भी हो सकता है, पता नहीं कोई माइनर होगा इसमें से एक्सेप्शनल, ओके पॉसिबिलिटी, ओके कोई होगा, मैं आपको बताऊं इनिशियल वेज में इनिशियल डेज में अपने को लगता है अपने को कंपीट करना होता है, अपने को सक्सेस दिखता है, अपने को ये लगता है कि नहीं नहीं भाई ये पॉइंट है, मेरे को इतने लोग चाहिए, मेरे को ये पैसा चाहिए इनिशियल डेज में, और रहना भी चाहिए ना, क्योंकि इनिशियल मेजरमेंट अपना लाइफ का वैसा होता है। मेरी शादी में सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था, भाई तू कमाता कितना है, मतलब जो भी देखने आ रहे थे वो पहले तो ये डिस्कशन कर रहे थे कमाता कितना है, तो भाई कमाता कितना है तो इसका मतलब कमाना तो पड़ेगा ना, तभी तो नहीं बोल सकता आई विल फॉलो माय ड्रीम, आई विल फॉलो माय पैशन, ये खाली इंस्टाग्राम में अच्छा लगता तो वो इंस्टाग्राम के रील जो बनते ना उधर तक ठीक है, भाई जिस दिन सीए बन जाओ सबसे पहले भाई पैशन तो जाना ही है, लेकिन कमा के भाई सक्सेस का मेजरमेंट है तो क्या करे, आप उस सोसाइटी में हो, मैं उस सोसाइटी में हूं, आप बोलोगे भाई यार कुछ नहीं, आप अगर इंस्टाग्राम रील ज्यादा देखते हो, आप इंस्टाग्राम से बहुत फैमिलियर हो या फेसबुक से ज्यादा हो, तो आप वैसे भी फ्रस्ट्रेट रहोगे क्योंकि उधर आपके दोस्त किधर घूमते हुए दिखेंगे, एक फोटो डालेगा ऐसा ग्रीन पर्दा होगा और पीछे बना देगा कुछ वो और कुछ कुतुब मीनार इधर दिखेगा और ऐसा खड़ा होगा कुतुब मीनार को बचा रहा मैं, ऐसे ऐसे सिनेरियो रहते, बट दिस आर समथिंग अदर वेज। तो राइट नाउ व्हेन एवर आई एम डिस्कसिंग तो बस आप शांति से उसको समझो, शांति से समझो, I always answer because I love it. It is not because of out of the burden. So make it sure आप चीजों को clear करिए। मैं बता रहा हूँ ऐसे में 50 में से मेरे को ऐसा तेरे हाथ का एक भी ऐसा मार्क नहीं जाना चाहिए जो conceptual है। यानी अगर मैं 15 मार्क के MCQ बोल रहा हूँ, वो 15 मार्क में से मेरे को MCQ के तेरे बिन मतलब के गए ना मेरे को बेवकूफी होगी। 35 मार्क में से because of तेरी handwriting तेरे मार्क्स जाने चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी सामने वाले को लगे भाई मार्क्स देने ऐसा पोजीशन ही नहीं है सिलेबस में कि वो मार्क्स काट सके। बहुत मैं रिलेटिवली देखो आई एम टीचिंग SM सिंस 2013। पहले से मैं सिलेबस देख चुका हूं, 2 अटेम्प्ट पिछले 2 चेंज देख चुका हूं, मैं बताऊं 3 फेजेस देख चुका हूं ICI के, तीसरा फेज अभी चल रहा है, अभी जो आपका बैच चालू हुआ है सबसे कॉन्साइज सिलेबस आपके बैच का है मालिक, सबसे कॉन्साइज प्रिसाइज, मतलब जितना तुम्हें चाहिए उतना इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, इसे ज्यादा कुछ भी मतलब बोलते ना पंचायती फुकट की कोई लेना देना नहीं है, जितनी ज्यादा पंचायती होती है उतना कॉम्प्लिकेट होता है सिलेबस, बहुत सटीक है, बहुत प्रिसाइज है, बहुत मस्त है, बस इतना ही प्रॉब्लम है कि आप उसको अप्लाई कैसे करोगे। तो शांति से उसको समझने का, ओके अब तीसरा जैसे ही क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी हो गया, चौथा आता है इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, स्टार्ट किया था, उसी पे वापस आता हूं।
मैंने मुंबई और पुणे ऑलरेडी चालू किया, अब मैं सोच रहा हूँ हैदराबाद जाने का। मेरे को बताओ इसको क्या बोलोगे आप, एक्सपांशन? एक्सपांशन में कौन सा? तो क्या मैं ऐसा एग्री करता हूं क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी में मार्केट पे, मार्केट डेवलपमेंट है सब लोग? मेरा क्वेश्चन है इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है? जब मैं बोल रहा हूं इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी, मुझे स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है मालिक, ओके? मैंने जो स्ट्रेटजी डिसाइड की थी ना मालिक थर्ड में, ओके, उसको मुझे इंप्लीमेंट करना है। एग्जीक्यूट करना मतलब क्या, एग्जीक्यूट करना मतलब क्या होता है? क्लासेस कैसे लेंगे, ठीक है, क्लासेस कैसे लेंगे, और मतलब किधर क्लासेस कैसे लेंगे, पुणे और मुंबई? पुणे और मुंबई तो स्टेबल है ना मेरा, क्या पुणे मुंबई को छेड़छाड़ करना है क्या? लेकिन क्या हैदराबाद क्लासेस चालू करनी पड़ेगी? अच्छा, क्या हैदराबाद में क्लासरूम लगेगा? क्या हैदराबाद में रिसोर्सेज लगेंगे? क्या हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा? ओके, अच्छा मेरे को बताओ, इन शॉर्ट में एग्जांपल ऐसे बताता हूं, क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन का कुछ डायग्राम ऐसा होगा जिसमें मैंने डायग्राम ऐसा बनाया होगा? अभी तक डायग्राम ऐसा होगा, मुंबई होगा, पुणे होगा, ओके, इधर कोई हेड होगा मेरा, एक हुली करके हेड होगा, इधर कोई प्रेम करके हेड होगा, और इनके नीचे लोग काम करेंगे, ऐसा कोई डायग्राम होगा मेरा खुद का एवरीबॉडी? ओके, अब मेरे को बताओ क्या ये डायग्राम में चेंज होगा मालिक कि नहीं चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, क्या मजाक कर रहे हो, फिर क्या चेंज होगा मेरे को बताओ? अरे नया बनेगा, मतलब मेरे को तो इसी डायग्राम में ही चेंज करना पड़ेगा ना, अभी तक मेरा डायग्राम क्या यही है ना? अब मेरे को बताओ डायग्राम में चेंज बताओ, और एक नया डालूंगा, नया डालूंगा हैदराबाद। ओके, अब मेरे को बताओ क्या हैदराबाद को सक्सेसफुल करना है या फेल करना है? तो अब ऐसा हो सकता है मैं हुली को बोलू इधर शिफ्ट हो जाओ टाइम के लिए, अच्छा अब वो हुली शिफ्ट होगा, क्या मुंबई को मैं छोड़ूंगा? तो मुंबई में तो कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा। ये सब होती है इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी। तो जब भी मैं आपको बोलूंगा इंप्लीमेंटिंग करनी है स्ट्रेटजी मतलब क्या करना है, मेरा क्वेश्चन ये है और मेरा कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, अगर आप समझे हो तो, इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज करना। किस में चेंज करना? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज करना। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा, स्ट्रक्चर? तो मेरे को बताओ जब भी कोई स्ट्रेटजी बनती है क्या स्ट्रक्चर में चेंजेस होने की संभावना है? अच्छा चलो मैं और एक आंसर लेता हूं, पुणे बंद करना, मुझे अभी पुणे बंद करना, कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी? डाइवेस्टमेंट, रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टमेंट, रिट्रेंचमेंट ना मालिक? तो मेरे को बताओ पुणे बंद करना है तो मेरे को बताओ क्या किस में चेंजेस होंगे? मैं कब बोलूंगा इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी? मैंने बोला रिट्रेंच करना है, बंद करना पुणे, थर्ड में डिसाइड किया पुणे बंद करना है, मेरे को बताओ फोर्थ में क्या करूंगा मैं? ओके, क्या मैं ये पुणे वाला एरिया बंद करूंगा सीधा, मैं कल लॉक लॉक लगा के बैठूंगा क्या? नहीं। क्या मैं रिसोर्स को बरोबर रीएलोकेट करूंगा? क्या रिसोर्स को बरोबर निकालूंगा? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बरोबर बेचूंगा? इसका मतलब मेरे स्ट्रक्चर में क्या होगा? चेंजेस। तो जिस टाइम पे मैं आपको बोलूं मेरे को स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है, आपके जहन में एक बात आनी चाहिए, अगर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है, देखो स्ट्रेटजी डिसाइड जिसको करनी है, मैंने आपको फैक्टर समझाया अभी तक, ओके, लेकिन स्ट्रेटजी फैक्टर्स क्या थे? नया प्रोडक्ट है, पुराना प्रोडक्ट है, ये फैक्टर समझा है बेसिकली, लेकिन मैंने आपको बताया जैसे ही स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है मालिक, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, किसमें चेंजेस लगेगा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। किसमें चेंजेस लगेगा मालिक? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इज दैट पॉइंट क्लियर? समझ में कुछ आया क्या एवरीबॉडी? पक्का? अच्छा मेरे को बताइए, क्या मार्केट एनवायरमेंट जैसा, ये मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने इंप्लीमेंट कर लिया, क्या मार्केट का एनवायरमेंट वैसे का वैसा ही रहेगा क्या? क्या चेंजेस आ सकते हैं क्या एवरीबॉडी? क्या चेंजेस आ सकते हैं? क्या चेंजेस को अपन ने अडॉप्ट करना चाहिए क्या? अच्छा ईएसएसएम निकल गया है क्या, फिर भी ईएसएसएम की बैच रखू क्या मैं? ईएसएस की बैच में अकेला ही बैठूंगा? समझ में कुछ आया? क्या मैंने अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करना चाहिए? ये कौन से स्टेप में होगा? करेक्टिव एक्शन। लेकिन करेक्टिव एक्शन कब पॉसिबल होगा? जब मैं उसको क्या करूंगा? इवैल्यूएट। क्या करूंगा? तो मेरे को बताओ पहले इवैल्यूएट करूं या करेक्टिव एक्शन लूं? अपने सिलेबस में इवैल्यूएट भले ही वर्ड मिलेगा आपको इधर, लेकिन अपना सिलेबस एम्फसाइज करता है ओके परफॉर्मेंस मेजर करना। क्या करना? परफॉर्मेंस मेजर। मेरे को बताओ हैदराबाद को क्यों लाया मैंने इधर? मेरे को एक्सपांशन करना था कि गिराना था? एक्सपांशन। अब मेरे को बताओ मैं मार्केट में कुछ चेंज नहीं हुआ, सपोज एनवायरमेंट में कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्या मुझे चेंजेस करने क्या चेंजेस करने चाहिए? ये भी तो कॉन्सेप्ट आता है। तो इसको हम लोग इवैल्यूएशन की जगह वर्ड क्या यूज करते हैं अपन? परफॉर्मेंस मेजर। क्या बोलते हैं मालिक? तो ये कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट इधर क्लियर है मालिक। तो सबसे पहले मेरे को बताओ क्या सेट करना चाहिए अपने लाइफ में? विजन। ओके, उसके बाद क्या करें? वो ऑब्जेक्टिव मत करो, विजन मतलब ऑब्जेक्टिव आ गया उसमें। अब मेरे को आंसर वाला चाहिए, आंसर पांचवे वाला चैप्टर वाला, क्या करने का? अभी विजन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, गोल्स हो गया, अभी
क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी, पर क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी के पहले और एक बीच में एनालिसिस, बिना एनालिसिस के पढ़ जाओ मत यार। एनालिसिस, दो एनालिसिस रहेंगे, कौन से दो एनालिसिस? इंटरनल एक्सटर्नल। आत्मा क्लियर? ठीक है, तीसरा क्या बनाने का? क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी। चौथा इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी। इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी आते ही तेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? चेंजेस इन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पक्का समझा क्या? चेंजेस इन। पांचवा पॉइंट क्या करने का? इवैल्यूएशन वर्ड नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। क्या रहेगा? इंडेक्स पे आ, तेरे इंडेक्स पे आ, इंडेक्स पे आ। तेरे मॉड्यूल बुक साथ में लेके आया ना तुम लोग, बुक के इंडेक्स पे आओ। तोड़ मालिक। ओके, कितने चैप्टर दिख रहे हैं इंडेक्स में? पांच चैप्टर सबको दिख रहे हैं मालिक। चैप्टर वन का नाम बताइए मेरे को, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसके नाम से मत जाना, ये भले ही नाम दे रहा है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, डेफिनेटली आज इसका इंट्रोडक्शन का लेक्चर खत्म करेंगे अपन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या है, ओके ये ठीक है, लेकिन इसके अंदर है ना, हम विजन के बारे में पढ़ेंगे, हम मिशन के बारे में पढ़ेंगे, हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी आप कौन से स्टेज के बारे में चैप्टर वन में पढ़ रहे हो? स्टेज वन। यानी स्टेज वन अपन कौन से चैप्टर में खत्म करेंगे? चैप्टर वन में। आत्मा क्लियर? यानी कहीं ना कहीं यहां पर अपन आने के बाद अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे विजन क्या है। यानी कल का क्या है? कल का मैं बता रहा हूं, कल का आंसर ऐसा रहेगा, विजन। विजन बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए? ओके मेरे को बताओ, टॉप टेन में आना, ये मेरा विजन है ना, पर ये कैसे डिसाइड किया? ऐसा मन किया चलो चलो टॉप टेन में आना चाहिए, टॉप फाइव में, ऐसा कुछ डिसाइड करते क्या? क्या बहुत एनालिटिकली सोचना चाहिए भाई, बहुत क्रिएटिविटीली, मतलब क्रिएटिव होना जरूरी है अपने विजन में। ओके, क्या विजन कॉपी करना चाहिए किसी और का? ओके, कोई और सीए कर रहा है इसलिए मैं सीए करना चाहिए? नहीं भाई, आपका वो डिस्कशन आपका हो जाएगा, किसी का तो छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। विजन अपना खुद का होना चाहिए, हमको कहां पहुंचना है, हर कंपनी को कहां पहुंचना है, ये आपके चैप्टर वन में मिलेगा, जहां पर अपन कल से चालू करेंगे। कल वाला लेक्चर विजन के ऊपर बात करेंगे। ओके, फिर एक लेक्चर होगा आपका किसके ऊपर? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आत्मा क्लियर? और विजन और मिशन अपन साथ में कवर करेंगे, विजन और मिशन। ठीक है मालिक, मेरे ख्याल से चैप्टर वन मालिक बैठा क्या? तो चैप्टर वन एसएम के प्रोसेस का कौन सा स्टेज है? फर्स्ट। आत्मा क्लियर? चैप्टर टू और थ्री तो मेरे को लगता ही नहीं बोलने की जरूरत भी है मुझे। चैप्टर टू और थ्री क्या है? कौन से एनालिसिस? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आप इमेजिन करो, अगर पेजेस देखोगे तो आप सेकेंड और थर्ड चैप्टर देखिए, आपको पेजेस काफी, मतलब रिलेटिवली कंपाइल करोगे तो एनालिसिस का टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना मिल रहा है? ओके, एनालिसिस का टोटल नंबर ऑफ पेजेस देखोगे, सबसे ज्यादा एनालिसिस का टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, क्योंकि अपन एनालिसिस देखो, इधर भले ही चैप्टर दिया लेकिन टेक्निकली अपने को समझा एनालिसिस तो सेम ही होता है, तो देखा जाए तो एनालिसिस सबसे बड़ा सिलेबस है आपका। ओके, दैट इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो सेकंड एंड थर्ड चैप्टर इज अबाउट एनालिसिस। भारत माता की जय, जीवा के मालिक। ओके, फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है? ओके, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, मतलब क्या होगा ये? क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप गलती से बाई चांस तुम चैप्टर फोर्थ में जाओगे तो तुम्हें थोड़ा ऐसा देखा देखा फील आएगा, सर क्या? स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, ओके रिट्रेंचमेंट, ओके ये सब नाम इसके अंदर मिलेंगे। और क्या नाम पड़े आपने? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट, ओके मार्केट, समझ में आया? ये सब आपको कौन सा चैप्टर में आएगा? चैप्टर फोर्थ, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, सबसे छोटा चैप्टर, अगेन वेरी बेस्ट, मतलब अपना फेवरेट चैप्टर ये है। मैं आपको बता रहा हूं ये तोड़ समझ में आ जाता है, लेकिन ये जब तक उसके कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये आंसर याद नहीं रहेगा। आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे सर, ये तो आपने डे वन पे बता दिया, बहुत तोड़ आ रहा है भाई, मेरे को तो चारों नाम याद रहे। अभी चारों नाम नहीं, अभी चारों के काम समझने बाकी है, इनके अपने मैट्रिक्स समझने बाकी है। इनके मैट्रिक्स देखेगा तो मां कसम बोल रहा हूं, मतलब ऐसे। ओके सर, बस ये है, पर यही है कि आप स्टेबल वाइज करोगे तो ध्यान रखोगे। तो चौथा पॉइंट है, चौथा चैप्टर है स्ट्रेटजी का। तो मेरे को बता पांचवे का नाम क्या दिख रहा है अभी? इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो मेरे को बता उस चैप्टर में क्या होगा? चैप्टर में क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आत्मा क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। आत्मा क्लियर? ठीक है, और दो तीन वर्ड में आपको समझा दे रहा हूं। पांचवे चैप्टर, पांचवा चैप्टर सबसे बड़ा दिख रहा है ना? अगर मैं खाली पांच चैप्टर को कंपेयर करूं सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा? पांचवा। ओके, रिलेटेड, अरे पेजेस में सबसे ज्यादा दिख रहा है। ओके, और इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बैंक अलग से आपका। ओके, सो लॉजिकली ये 50 पेज ओनली थियरी है, ओनली थियरी, 50 पेजेस ओनली थियरी। हाँ, मीम है उसके अंदर।
वो पेज है, पर 50 पेज में से कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं कि 50 पेज 25 पेज का था और 25 पेज के मीम है। ओके, हार्डली एक हाथ दो पेज और कम हो सकते थे अगर मीम निकाल दोगे ना, एक हाथ दो पेज कम होगा, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। ओके, मोहे मोहे। तो अब सीन ऐसा है, हमारा सीक्वेंस जो चालू होगा वो चालू होगा पहला चैप्टर वन। अब हम चैप्टर वन करेंगे, चैप्टर वन का लॉजिक बैठाएंगे, चैप्टर वन को ही आप लॉजिकल खत्म करोगे। चैप्टर वन के बाद हम जाएंगे सीधा के सीधे चैप्टर फोर्थ पे। इसके बीच में कुछ चैप्टर थ्री का मुझे कुछ करना होगा वो मैं करूंगा, चैप्टर टू का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना होगा वो पढ़ाऊंगा, चैप्टर थ्री का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना होगा पढ़ाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट पढ़ पढ़ गए अपन जाएंगे चैप्टर फोर्थ पे। यानी वन के बाद तोड़ खत्म कौन सा करोगे, फोर्थ, और फोर्थ खत्म होने के बाद अपन सेकंड और थर्ड पे गेम करेंगे, और सेकंड एंड थर्ड खत्म होने के बाद अपन किस पे जाएंगे, फिफ्थ पे। क्या सर ये चैप्टर इक्वली डिवाइडेड है? ओके, 10 मार्क 10 मार्क 10 मार्क 10 मार्क 10 मार्क। ओके, अगर ऐसा किसी ने सोचा तो अगला आइटम कंफर्म है। ओके सर, अरे मैं वापस बोल दूंगा, वापस मैं सबको समझा दूं बाय चांस, जो भी भाई सीरियसली मत लेना, अगला आइटम कंफर्म है। ये मेरे लाइफ का प्रिंसिपल है, ऐसा मैं ऐसे कॉमनली बात करता हूं। और ये मैं, आप बोलोगे सर आपको क्या है, आप तो सीए बन गए, भाई मेरे लाइफ में भी ऐसे ऐसा आसानी से सीए नहीं बनाओ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ रही अपनी, ऐसा नहीं है भाई सीधा पहुंच गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, इंस्टीट्यूट ने बोला अरे भाई अमित तातड़ा है, मां कसम दो 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 इस डिग्री दो इसको, ऐसा नहीं है भाई। इंस्टीट्यूट ने मेरी भी मारी है बहुत, मैं भी 2.5 साल मरवाया हूं। ओके, इंटरमीडिएट में मेरे को भी 5 आइटम लगे भाई। ओके, इंटर में 5 आइटम लगे, जबकि फाउंडेशन का मैं रैंक होल्डर हूं, फाउंडेशन का रैंक होल्डर है, इंटर के 5 आइटम और फाइनल का 1st आइटम है। ओके, तो ये पॉइंट है। नहीं, इसकी स्टोरी कभी थोड़ा सा मेरा ये रैप अप जमने दो, जिस दिन मतलब उस दिन तुमको स्ट्रैटेजिक ये क्या कॉन्टेक्स्ट है समझेगा। बट पॉइंट ये है कि मैं जब ये बोलता हूँ ना अटेम्प्ट लगे ऐसा कुछ बोल दिया तो आप सीरियसली मत लेना भाई, मजाक कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? ओके, इस पर वो सीरियसली नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ में, इसलिए ध्यान रखना कोई भी चैप्टर इक्वल नहीं है। सर सबसे छोटा चैप्टर, ओके, जो आपका पहला चैप्टर है ये जो एक्सपेक्टेंसी आप रख सकते हो ये 6 मार्क्स से 8 मार्क ही रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। ओके, 6 to 8 मार्क्स आपको चैप्टर वन से मिलने की संभावना है, इससे ज्यादा नहीं मालिक, गारंटी चैप्टर वन में। सर क्वेश्चन किसमें आने वाले हैं? आज अपन एसएम को थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन इसमें से संभावना कम है, लेकिन जो कल वाला पोर्शन चालू होगा वो इंपॉर्टेंट चालू हो जाएगा। कौन सा वाला बोला मैंने? कल वाला कौन सा? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, वैल्यूज, इसके ऊपर चर्चा होगी। वो एक पोर्शन बहुत थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अपना आज बेसिक वाला पोर्शन है, वो आपको नॉलेज चाहिए उतना गैदर करिए, एमसीक्यू के हिसाब से रखिए, दैट्स इट। दूसरा और तीसरा ये दोनों चैप्टर अगर मैं कंबाइन करूं, मेरा एक्सपेक्टेंस कंबाइन से है, दोनों सेकंड और थर्ड को मैं कंबाइन करता हूं और ये दोनों अप्रोक्सीमेटली मेरे लिए रोल प्ले करेगा 16 मार्क्स अप्रोक्सीमेट, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ओके, 16, ओके, हो सकता है ये 20 मार्क तक जाए, पर 16 मार्क की एक्सपेक्टेंसी आपकी अप्रोक्सीमेट रहेगी। ओके सर, फिर बढ़ते हैं अपन चौथे चैप्टर की तरफ, जो सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन सबसे छोटे चैप्टर को अगर आप, अच्छा ठीक है, मैं उसके पहले ही बता दूं, ये मैंने जो मार्क्स डिवीजन किए ये किस बेसिस पे किए हुए? एनालिसिस कौन सा वाला? पास्ट, मतलब कौन सा वाला सिलेबस? ओल्ड सिलेबस। ओके, अपने को मॉक टेस्ट आएगा, हो सकता है थोड़े से चेंजेस इसमें दिखे। ओके, आरटीपीज में तो कोई मालूम नहीं पड़ेगा, आरटीपीज में तो फिल्टर करके क्वेश्चन वापस वही देगा, मैं तेरे को बता रहा हूं, मतलब आरटीपी तो उठाएगा, मैं तेरे को एक भी नया क्वेश्चन लगेगा नहीं भाई, गारंटी मेरी, तो जाके देखिएगा बस, अप्लाई हो सकता है एक हाथ कोई केस स्टडी कुछ इधर उधर आए मिक्स मैच करके, लेकिन मैंने इतना मिक्स किया है कि इससे ज्यादा और कोई मिक्स नहीं कर पाएगा। मिक्सचर बहुत भयंकर लेवल पे, अपना टेंशन मत लो, मैक्सिमम मिक्सचर तुमने कर दिया है, अगर तुम बहुत अच्छे से ध्यान दे दिए ना, मैं तुमको बता रहा हूं लास्ट के 5 लेक्चर वो तुमको इतना भयंकर मिक्स कर, मतलब मैं बता रहा हूं भाई, मैं 1.5 घंटे में अपन से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, दैट्स इट, उसके ऊपर नहीं, पेशेंस लेवल लगेगा क्योंकि उसको रीड करना, उसको प्रोसेस करना, अडेप्ट करना। सर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? तो मैं क्या चूमू हूं इधर डालने के लिए? एग्जाम के हिसाब से ही प्रिपेयर करना ना अपन। हाँ, ओके, तो भाई ध्यान रखना है, तो ये बेसिकली एक्सपेक्टेंसी है 16 मार्क तक की। ओके, अगर इसका रेंज बोलूं तो 16 से 20 के बीच में आप पकड़ सकते हो इसको रेंज में, लेकिन ये 16 मार्क का रेंज मैं समझता हूं। ओके, अगला चैप्टर जो आता है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, ये अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स से 10 मार्क्स, यानी इसमें से आप 2 या 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ओके, ये वाले सिनेरियो में अगर आपको समझ में आया है, और ये लास्ट वाला चैप्टर इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ये 12 से 15 मार्क के रेंज में जा सकता है। जो अभी इसको आप 50 करो, 55 करो, 30 45 करो, ये कैटेगरी व्हाटएवर बिठा लो, पर ये अपन कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन
पास्ट पेपर। तो ऐसा है कि कुछ कॉन्सेप्ट थे जो ओल्ड सिलेबस में थे निकल गए, तो उसको अपन ने थोड़ा सा लॉजिकली जिधर फिट हो सकता है उधर मैंने डाला हुआ है, ऐसा फिट हो सकता है उस बेसिस पे अपन ने डिस्कस किया है। तो सर मैंने कैसे करना चाहिए? तो मतलब चैप्टर वन में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, चैप्टर टू में, थ्री में अच्छे से ध्यान देना चाहिए, फोर में ओके डोके, और फाइव में बहुत अच्छे से, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आपको मैं बता रहा हूं एटलीस्ट मे 24 जब तक अपना अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट नहीं होता तब तक सारे जन के लिए ऑप्शन है ही नहीं, सबको सारे चैप्टर बहुत इक्वली ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके, ऐसा हो सकता है चमत्कार हो जाए चैप्टर वन से ही आपके कम से कम 15 मार्क आ जाए। ओके, क्या करेगा तू? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ओके, यू कांट डू एनीथिंग। आप सोचोगे जाने दे, चैप्टर वन बहुत छोटा है, इसलिए आई एम मेकिंग यू क्लियर अवेयर। कोई भी ये इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा कि ये कम मार्क्स का तो मैं छोड़ देता हूं, पढ़ना सब है, बस एप्लीकेशन वाले लॉजिक में ध्यान रखना। इज दैट पॉइंट क्लियर मलिक? ठीक है, तो इन शॉर्ट अपना एसएम का सिलेबस क्या है, जो कल 5 स्टेप बता रहा था वही सिलेबस है। ओके, अच्छा है, मेरे को बताओ 5 स्टेप एक बार करेंगे या बार बार? ओ भाई और बहनों, एक बार या बार बार? ठीक है, अच्छा अब मेरे को बताओ, अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हूं, HUL हिंदुस्तान, मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत तोड़ समझाइए मालिक, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि अमित तातेड़ के पास HUL का हेड है अमित तातेड़, और उसके पास SM है, इसका मतलब अमित तातेड़ के पास क्या है? अगर अमित तातेड़ SM कर रहा है, HUL का हेड हूं मैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का मैं हेड हूं, और मेरे पास SM है, अमित तातेड़ SM कर रहा है, अमित तातेड़ HUL में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करता है, तो अमित तातेड़ के पास क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर कितने स्टेप्स है? 5। यानी अगर कल किसी ने बोला अमित तातेड़ स्ट्रेटेजी बना रहा है, वो स्ट्रेटेजी बनाना अलग होता है, अमित तातेड़ मैनेजमेंट कर रहा है वो अलग चीज है। अगर मैंने बोला अमित तातेड़ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रहा है, जैसे ही मैंने बोला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रहा है, मतलब वो दिमाग में करो कितनी चीजें कर रहा है, वो 5। यानी अमित तातेड़ पहले क्या करता होगा? विजन बनाएगा, गोल्स ऑब्जेक्टिव बनाएगा, समझ में आया? फिर अमित तातेड़ इसके साथ में क्या करता होगा? एनालिसिस। टेक्निकली देखा जाए तो विजन जब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे तो एनालिसिस साथ साथ में करते हैं। ठीक है, तीसरा अमित तातेड़ क्या करता है? ओके, तो यानी ओके, क्या मैं ये गलत बोल रहा हूं मेरे को बताइए? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब सिलेक्टिंग ए स्ट्रैटेजी ओनली, करेक्ट और इनकरेक्ट? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द स्ट्रैटेजी ओनली, करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। सिलेक्टिंग ए स्ट्रैटेजी इज नॉट ए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सिलेक्टिंग ए स्ट्रैटेजी इज ए क्राफ्टिंग ए स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब तीन चीजें मेन है, विजन विजन तीन चीजें मेन है, स्ट्रैटेजी को बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको इवैल्यूएट करना। बस क्वेश्चन ये है कि स्ट्रैटेजी बननी किस पे चाहिए? विजन पे। और विजन के बाद क्या करना चाहिए? एनालिसिस। आत्मा क्लियर? अच्छा तो मेरे को बताओ प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? अगर पहले तीन स्टेप देखे तो लास्ट वाला स्टेप देखे तो अगर मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किया क्या मैं प्रोएक्टिव रहूंगा? ओके, इसका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किया क्या मैं रिएक्टिव रहूंगा? ठीक है, ओके, अब कुछ चीजें सुनते जाइए, खत्म करते जाइए, बुक का टेंशन मत लीजिए, बुक का जिस दिन मेरा मतलब एक दो एक हाथ इसमें आज हुआ या कल हुआ, मैं पूरा प्रोसेस एक बार रीड करता हूं, मैं मेरे रैप मेरे स्पीड से मैं रीड करूंगा ये आपके साथ में। अगर आपको टाइम मिल रहा है घर पे जाने के बाद रीड करिए, नहीं मिल रहा है जितना मैं होमवर्क बोल रहा हूं करना है उतना करिए, बाकी अदर देन दैट ओके सब क्लास में खत्म हो जाता मालिक। बस इतना है कि तुम थोड़ा सा मेरे साथ में आप अलाइन होते जाइए। मेरा पहला क्वेश्चन सुनिए, स्ट्रेटजी शुड बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? पक्का? खाली प्रोएक्टिव? ओके, नहीं चलेगी ऐसा नहीं है, मतलब आप सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होंगे। खाली रिएक्टिव? ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। तो दोनों का ब्लेंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ब्लेंड मतलब मिक्सचर, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। भाई साहब क्लियर है इधर तक? ठीक है, सुनिए, मेरे पास बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है, क्या मेरे पास मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट मतलब पर्सन जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने वाला है, जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के बाद सब काम करने वाला बंदा है, अगर वो चोमू निकला तो? मतलब मेरा क्वेश्चन है, मेरा मैनेजमेंट चोमू है। चोमू मतलब क्या सर? मुंबई लैंग्वेज है, चोमू मतलब चोमू मतलब जो चोमू को कैसे समझाओ, मतलब आपको मालूम है? नहीं नहीं नहीं, आपकी कैटेगरी हो सकती है जो भी है, मतलब आप कुछ और वर्ड यूज करते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मालूम है अपने को देख के समझ में आता है इसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। कभी आप ऐसा कैटेगराइजेशन देखो, हर जन के लाइफ में ऐसा पर्सन आता है और वही पर्सन चमत्कार करता है। मतलब भाई साहब मैं अपनी लाइफ में, हम लोग पूरे लाइब्रेरी में बैठते थे, हम लोग बोलते थे एक बंदा है मिस्टर एक्स है, वो जिंदगी में सीए नहीं बन सकता,
मतलब ऐसा था भाई, भाई साहब उसके नाक मतलब मक्खी पे बैठ के उड़ा नहीं सकता था ऐसे, मतलब एक कैटेगरी होती है, हम डिसाइड करते थे जोकिंगली #StopDiscrimination आज के डेट में नहीं करोगे कोई, क्योंकि आज के डेट में इंस्टाग्राम आ गया है, हमारे टाइम पे तो क्या भाई चल रहा था, तो भाई ये पॉइंट है, लेकिन ऐसा था। तो अब मैनेजमेंट एकदम चुम हुए, जिसको कोई लेना देना नहीं, जिसको एनवायरमेंट का कोई लेना देना नहीं, जिसको मालूम ही नहीं, लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन है। मेरा क्वेश्चन, क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी क्या? यानी मेरा क्वेश्चन क्या है, समझने का करो, मैं बोल रहा हूं अगर स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन है पर मैनेजमेंट जो पर्सन है जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने वाला है या जो स्ट्रैटेजी इवेल्युएट करने वाला है वो चुमू निकला दो, मतलब इज इट ए करेक्ट वे और नॉट ए करेक्ट वे? तो मेरे को बताओ ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस सक्सेसफुल और फेलियर एवरीबडी, तो मेरा स्टेटमेंट सुनिए और मेरे को बताइए करेक्ट या इनकरेक्ट। स्ट्रैटेजी, सुनिया मेरा स्टेटमेंट एकदम अच्छे से सुनिए, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं बोला मैंने वर्ड क्या यूज किया, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। एम आई करेक्ट और इनकरेक्ट? पक्का मैं करेक्ट हूं या इनकरेक्ट हूं? पक्का? यानी मेरे को बताओ स्ट्रैटेजी कितनी भी बेहतरीन रही लेकिन अपने वो मैनेजमेंट तोड़ चाहिए, ओके अलर्ट मैनेजमेंट चाहिए। अब क्वेश्चन है अलर्ट मैनेजमेंट क्यों चाहिए फिर? रिएक्टिव, क्योंकि अगर मैंने प्लान स्ट्रैटेजी भी बना दी लेकिन एनवायरमेंट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, तो अगर अलर्ट मैनेजमेंट नहीं रहा वो क्या मिस कर सकता है? एनवायरमेंट के चेंजेस। अगर एनवायरमेंट के चेंजेस अडैप्ट नहीं हुए क्या मेरी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है? ओके भाई साहब, मैंने बूटकट जींस निकाली, बूटकट जींस मालूम है ना, वो जींस ऐसे बड़ी बड़ी जींस आती थी ऐसे, वो अमिताभ बच्चन वाला पॉइंट ऐसे बूटकट बीच में आई थी मालूम है, बीच में एक कुछ एरा था, एक चार पांच साल का, दो चार साल का एक एरा था जब बूटकट जींस मालूम है ना, एक बड़ी बड़ी पैर में आती थी, बेल बॉटम जींस जिसको बूटकट जींस बोलते हैं। अपन जींस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अपन बूटकट जींस निकाल लिए, लेकिन मेरे को बताओ ओके एक ऐसा सिनेरियो आ गया जिसमें शाहरुख खान एक मूवी में आता है और बूटकट जींस अवॉइड कर देता है, एक्चुअली मार्केट में बूटकट जींस ही चल रही है, बेल बॉटम जींस ही चल रही है, लेकिन शाहरुख खान एक मूवी में आता है और वो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है और उसमें शाहरुख खान पैटर्न चेंज कर देता है जींस का, जो नैरो जींस पहन लेता है वो एकदम चिपकने वाली जींस। ओके सर, कोई तो कौन से पेंसिल जींस जो भी है, तुमको मालूम है ना पैटर्न क्या है, मेरे को क्या करना है, अपन को तो जींस चाहिए, मैं तो जाता दुकान में बोला जींस दे भाई, और फिर पहनने के बाद हाँ भाई कंफर्टेबल है ठीक ले ले भाई, तो जो भी है हवा Nevertheless, मेरे को बताइए व्हाट इफ ऑलरेडी अपन ने 20,000 क्वांटिटी अपन ने मैन्युफैक्चर कर ली है, शाहरुख खान की मूवी आई है सुपर हिट हो गई है और अब पब्लिक का पैटर्न टुवर्ड्स बूटकट जींस चेंज हो गया है, क्या मेरा बूटकट जींस सेल हो सकता है? तो आप मेरे को बताओ क्या करना चाहिए इस केस में, क्या पूरा वेस्ट कर दे उसको, क्या उसमें थोड़ा बहुत खर्चा करके उसके सबके पैटर्न बदलने चाहिए? ये कौन डिसाइड करेगा, स्ट्रैटेजी या मैनेजमेंट? देयरफॉर यू रिक्वायर विच मैनेजमेंट? अलर्ट मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। ओके बॉटल, मैं बॉटल बेचता हूं, ओके अप्रोक्सीमेटली मैंने इस बॉटल के ऊपर कॉस्ट मैंने निकाली इस बॉटल की और मेरे को मालूम पड़ा इस बॉटल बनाने की तांबा वांबा क्या बना कुछ लगा के मेरे को मालूम पड़ा इसकी 1,000 रुपए की कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग। अब 1,000 रुपए की कॉस्टिंग वाली मैं चीज बना रहा हूं तो मैं प्रॉफिट मार्जिन बड़ा चाहता हूं, मैंने इसका प्रॉफिट मार्जिन रखा था 500 रुपया, तो कितने पे बेचूंगा? 1,500 रुपया। एवरीबडी क्लियर? ठीक है, अभी तक इसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं थे, जीएसटी जो आप सुबह 8 बजे देख रहे हो, ठीक है, तो इसके ऊपर अभी तक जीएसटी एप्लीकेबल, कोई तो शेड्यूल्स होते हैं ना जिसमें लिखा होता है ना, कुछ ऐसा ही शेड्यूल है कुछ तो है, मेरे अटेम्प्ट लगाने वाला टैक्स पेपर है इसलिए मेरी फट फटती है टैक्स से, ओके बट नेवरथलेस ऐसे जीएसटी में ये जीएसटी एग्जम था, इनकम टैक्स तो रहेगा मेरा पर जीएसटी एग्जम था, तो मैंने कॉस्टिंग रखी 1,500 रुपए, सेल्स प्राइस रखा 1,500 रुपए, 1,500 रुपए एग्जैक्टली बेच रहा था, 500 रुपए के मार्जिन से मैं अर्न कर रहा था और मैं अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा था, मेरा सेल्स भी तगड़ा हुआ और वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। अचानक मोदी जी आए, बोला जो भी ओके ये इसको क्या नाम, मैं तांबे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
कॉपर, कॉपर बॉटल के ऊपर कॉपर का मटेरियल जो भी बेचेगा उसको 18% जीएसटी। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, क्या अगले दिन मेरा सेल्स प्राइस सेम होना चाहिए या चेंज होना चाहिए? सेम रखना चाहिए। आपको लगता है सेम प्रॉब्लम आएगी मेरे लिए? यस, सेम रखा तो मेरे लिए जो प्रॉफिट मार्जिन था कम हो जाएगा क्योंकि जीएसटी मेरे जेब से जाएगा, जबकि जीएसटी मैं किससे कलेक्ट करूंगा? जीएसटी कलेक्शन इज फ्रॉम कस्टमर ओनली। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं प्राइस बढ़ाना चाहिए? क्या वो प्राइस बढ़ाने के बाद मेरा मार्केट में, देखो मार्केट में न्यूज आएगी है प्राइस बढ़ गया है, क्या प्राइस बढ़ने के बाद भी मार्केट में जो मेरा क्या बोलते लीवरेज है जिसकी वजह से मैं मार्केट पेनिट्रेट कर पा रहा हूं, क्या वो लीवरेज में मतलब मेरा जो उसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट में मेरे बारे में न्यूज है, क्या वो न्यूज में बैड इंपैक्ट आना चाहिए? क्या बैड इंपैक्ट आना चाहिए? क्या नहीं? लेकिन प्राइस बढ़ाने के बाद बैड इंपैक्ट आते ना बहुत बार, तो मेरे को वो कन्वे करना पड़ेगा कि जो प्राइस बढ़ी है वो किसके लिए, ये कौन करेगा, स्ट्रैटेजी या मैनेजमेंट? अब इधर मैनेजमेंट मतलब मैं पर्सन की बात कर रहा, एवरीबॉडी ठीक है। मोदी जी आए बोला जीएसटी अभी भी नहीं है, मोदी जी आए बोला जो ये बिजनेस कर रहा है उसके इनकम टैक्स पे हम 15% एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। नहीं समझा? समझा, मैं जीएसटी नहीं बोल रहा, मोदी जी बोल रहे हैं जो कॉपर का बिजनेस कर रहा उसको अपने ओरिजिनल टैक्स पे 15% और टैक्स बढ़ाना होगा। मेरा क्वेश्चन है, क्या वापस मेरे मार्जिन पे इंपैक्ट होने वाला है? लेकिन क्या अब यहां पर मैं प्राइस बढ़ा के क्या कन्विंस कर पाऊंगा? नहीं। और अगर मैंने प्राइस बढ़ाया, ऐसा कोई हो सकता है जो कॉम्पिटिटर है जिसको मार्केट शेयर मिल नहीं रहा था, वो इसी थाक में बैठा होगा कि ये प्राइस कब बढ़ावे ताकि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ के पेनिट्रेट करे। तो अब मेरे को बताओ ये सब डिसीजन लेने वाली जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट। एक स्टेटमेंट दिमाग में बिठा देना, प्रोएक्टिव के लिए ठीक है, प्रोएक्टिव जिसने बना दिया यू आर हैप्पी, लेकिन आपको समझना होगा खाली प्रोएक्टिव काम की तो कौन चाहिए साथ में? रिएक्टिव। और रिएक्टिव के लिए कौन चाहिए? कैसा मैनेजमेंट? दो वर्ड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, अलर्ट एंड। तो एक स्टेटमेंट दिमाग में बिठा दो, छाप दो, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। डेफिनेशन के नीचे लिख दीजिए, अपने नोट्स में डेफिनेशन लिखा गया ठीक है, नोटबुक बनाई ना भाई, जिस दिन मेरा मन आ गया ना उस दिन देख लिया ना भाई, मैं देखना चालू कर दिया ना फिर भाई लग जाएगी तेरी। अभी तक कितने पॉइंट लिखे तूने अपने नोट्स में? 3। कौन से? स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस साथ साथ में। जिसने नहीं लिखा तो भाई एक पेज छोड़ दीजिए, एक पेज आप घर पे लिख के लेके आइए, वापस कल रखना, क्योंकि ये जो चीज घर पे लिखानी मेरे को ज्यादा पंचायती वाला पॉइंट नहीं है। ओके, अगला हेडिंग डालिए, पॉइंटर्स, 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 पहली पॉइंटर्स। अभी मैं आपको एक 5-7 पॉइंटर्स लिखा रहा हूं, ये आपको तोड़ रट लेने हैं। जब मैं रट लेने बोल रहा हूं मतलब कॉन्सेप्ट समझने के बाद रटने का। तो पहला पॉइंटर, एवरीबॉडी क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंटर, फर्स्ट पॉइंटर, क्या पहला पॉइंटर लिखा है मालिक? पहला पॉइंटर क्या लिखा मालिक? स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। ये बॉटल गिरी है किसकी, उठा लो। रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, भारत माता की जय। झेप आ गया इधर तक। हेडिंग कुछ नहीं बोली, हेडिंग में मैंने बोला पॉइंटर्स, 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 सर्टेन पॉइंटर्स, और शायद ये आपका जो पॉइंटर्स हेडिंग है ये आपका चौथा पॉइंट मेन चल रहा होगा। ओके, पहला हेडिंग है, हेडिंग में खाली पॉइंटर्स लिखे, जिसके अंदर मैं कुछ 5 पॉइंटर्स लिखा रहा हूं, वो पॉइंटर्स आपको तोड़ रटने हैं। पहला पॉइंट में कोई दिक्कत मालिक? ओके ठीक है, अगला पॉइंट सुनिए। ओके, सुन के खत्म करिए 5 पॉइंट को। दूसरा पॉइंट, मेरे को बताइए, मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, क्या स्ट्रैटेजी हमेशा बेहतरीन होगी? पक्का? तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा पॉइंटर क्या है दूसरा? स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लॉलेस, करेक्ट और इनकरेक्ट? स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मतलब उसमें कुछ कमियां नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? देखो मेरे को बताओ इसका कारण क्या है, अगर फ्लॉलेस होती तो उसको चेंज करने की जरूरत थी। अब मेरे को बताओ क्या चेंज करने की नौबत आ रही है?
सेकंड पॉइंट आ रहा है, यानी अल्टीमेटली हम लोग किसका डिस्कशन कर रही है, रिएक्टिव, रिएक्टिव की वजह से पॉइंट आ रहा है। सेकंड पॉइंटर, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस। फ्लॉलेस मतलब बिना कमियों की, फ्लॉलेस का मतलब कमियां नहीं है। तो स्ट्रैटेजी में कमियां है या नहीं है, है। ओके, इसीलिए तो अपने को कौन चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, नहीं नहीं उसके लिए हमने को कौन चाहिए, वो स्ट्रैटेजी की जो फ्लॉ है, मैनेजमेंट, कौन सा वाला मैनेजमेंट, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। पक्का क्लियर, ठीक है। मेरे को बताओ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, आराम से आराम से, अभी दो मिनट पांच मिनट आपका जाएगा लिखने के, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मेरे को बताइए। ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना मतलब कितने स्टेप्स करना, पांच। ये पांच स्टेप करने के फायदे होंगे क्या, एडवांटेज ज्यादा, क्या फायदा होगा मेरे, एक कौन से बताइए, नोट्स के नहीं चाहिए मेरे को, नोट्स में से नहीं चाहिए। बिजनेस ग्रो होगा, बिजनेस ग्रो होके क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मेरे को बताओ, अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे कॉम्पिटिटर का भी प्रॉफिट हो रहा है, तो घंटा मेरे को फायदा है। मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ, ओके मेरे को बताओ, आप मेरे को बोल रहे हो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करो, ओके आप मेरे को बोल रहे हो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करो, मेरे को बताओ मेरा, आप बोल रहे हो ये करने से आपका प्रॉफिट होगा, ओके एट द सेम टाइम कंप्यूटर को भी प्रॉफिट हो रहा है, ओके मेरा घंटा प्रॉफिट है। फिर मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, मेरे को प्रॉफिट चाहिए लेकिन बॉस सामने वाले का लूजिंग बहुत जरूरी है, आप ये समझो। स्ट्रैटेजी इज टू विन, अरे भाई डे वन पे मैंने आपको बाहुली का एग्जाम्पल दिया है, स्ट्रैटेजी कभी भी मैटर करती है। देखो भाई, देर इज वेरी रेयर कॉन्सेप्ट विन विन सिचुएशन, अगर आपको कोई बोल रहा है ना तेर विन विन सिचुएशन है हमारा, ओके द आंसर इज रॉन्ग, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ विन विन। आप एग्जाम दे रहे हो, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ विन विन, इट इज अ विन और लूज, दैट्स इट। एवरी बिजनेस देर इज विन और लूज, अगर मैं विन विन सिचुएशन में खेला, नहीं जाने दे, उसके बाद भी धंधा चलने दे, मेरे पास भी धंधा चलने दे, ओके कुछ टाइम के बाद मेरा धंधा नहीं रहेगा भाई। अगर आप स्टेप्स नहीं लोगे वो पूरा बिजनेस लेके जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है, ओके व्हाट इज अ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ओके टू विन है मैं समझ गया, लेकिन टू विन का मतलब क्या, मार्केट शेयर, मार्केट शेयर एक वर्ड आया, मार्केट शेयर, यस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मां कसम तोड़, डायरेक्ट आंसर को पंच मारा, तोड़ मालिक, देखा था क्या, देखा था, देखा था, देखा था, देखा था, देखा था, नहीं देखा, तोड़ मैन, मां कसम बारा, अरे का कसम, मां कसम बोले नहीं देखा सर ने, ओके तो बढ़िया मालिक, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज डायरेक्ट आंसर आया, ओके कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, माइक है क्या किसी पास, चले कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब क्या, आप ही बताइए, आप ही बताइए, थोड़ा सा, थोड़ा सा आप चिल्ला चल चिल्ला सकते ना मालिक, थोड़ा सा मैं वहां, डिफरेंसिएशन जैसा होना, सर का कहना है कंप्यूटर से बेहतर होना, सुनिए मेरी बात, सुनिए सुनिए सुनिए, बढ़िया बढ़िया, सर सर का कहना है कि कंप्यूटर से बेहतर होना, यानी अगर कंप्यूटर सबसे सस्ता दे रहा है तो अपन ने सबसे सस्ता देना चाहिए। एवरीबॉडी मेरे साथ है क्या, अगर कंप्यूटर डिफरेंसिएशन दे रहा है तो मैंने डिफरेंसिएशन बेहतरीन देना चाहिए, सर का कहना है, लेकिन मैं इस चीज पे मानता नहीं मालिक, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इसको नहीं बोलते मालिक। ओके पॉइंट सुनो, पॉइंट सुनो, ओके पॉइंट सुनो, सरी सरी आपका नाम मालिक, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध एक बॉटल में डील करते हैं, प्लास्टिक बॉटल नहीं, कॉपर बॉटल, कॉपर बॉटल लेंगे अपन, क्योंकि नया लाया ना मैंने, तो मैं थोड़ा फ्लॉन्ट भी करूंगा ना, मेरी बेटी, बेटी ने खरीदा है, तो भाई यार बेटी, बेटी यार गुड मैन, वह पैसा मेरा ही जा रहा है लेकिन खरीदती मेरे लिए नहीं, बेटा जिंदगी में कुछ खरीदेगा नहीं, मेरे को गारंटी है। ओके हाँ, बेटा उड़ाएगा, बेटा तो बोलेगा ए बाप किधर चल निकल, बेटी है अकेली बेचारी, ध्यान रखेगी भाई, वो तो यही है, पर बाप भी उसका खतरनाक है, इसीलिए पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही है और मैंने ज्यादा प्रॉपर्टी ही बनाई नहीं है, जो भी पैसा आता उड़ा देता हूं। ओके नेवरथलेस जोक्स अपार्ट, ओके मेरा ये बॉटल है, अनिरुद्ध भी ये बॉटल में डील करता है, ओके अनिरुद्ध 10 रुपए में बॉटल बेचता है, अरे सस्ता, अरे सस्ते सस्ते में जा रहे ना, सस्ता कॉपर, अरे सस्ता कॉपर बोल रहा, कितने में बेच रहा हूं, 10, मैं उसे सस्ते में बेच रहा हूं 5 रुपए में,
सर क्या प्रॉफिट हो रहा है? हाँ, क्योंकि हमारा कॉपर हमारे घर पे उग रहा, हमने पेड़ लगा रखा, कॉपर थोड़ा बन रहा, पांचर जो क्या आई नो, लेकिन लॉजिक बैठ रहा। तो मेरे को सबसे सस्ता कौन दे रहा है? मैं या अनिरुद्ध? लेकिन पूरा मार्केट उसके पास है। समझ में कुछ आया? तो सबसे सस्ता देना या उससे सस्ता देना इज नेवर ए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। क्वालिटी हुई तो मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन मतलब वो बॉटल में कुछ तो अलग से दे रहा होगा ना। इट इज नॉट अबाउट दैट। ओके, कुछ और पॉइंट एक मैडम को बोल कुछ बोल। हाँ, उसकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाने का, और मेरी वीकनेस की वो मार रहा है, उसकी क्या करो? उसकी वीकनेस को मैं अपनी स्ट्रेंथ बनाऊ? अबे लॉजिक तो वो रहेगा, लेकिन मेरी वीकनेस भी तो वो एक्सप्लॉइट कर रहा है ना। मेरे को बता मार्केट में क्या न्यूज बचाएगा? इसके पास वो नहीं है जो मेरे पास है भाई। अपने बॉटल में वो चीजें मिल रही है भाई, हम क्या करेंगे? हम उल्टा रिवर्स है। अरे सब ऐसे ही करते हैं, उसमें आपको प्रोडक्ट में वो नहीं मिल रहा, हमारे प्रोडक्ट में वो मिल रहा है। ओके, नमक, हमारे प्रोडक्ट में नमक। नमक प्रोडक्ट में नमक नहीं। सुनिए सुनिए, मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखिए देखिए, आप ये क्लैरिटी करते जाइए। आप जिस पे बात कर रहे हो उससे कुछ मैं बेहतर बना पा रहा हूं या कुछ यूनिक बना पा रहा हूं, उसको कॉन्सेप्ट को अलग बोलते हैं, उसको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं बोलते। मैं बोल रहा हूं उसको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, मैं बोल रहा हूं, आवाज नहीं आ रही मेरे को रे, उसको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं बोलते, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं बोलते। ऑनलाइन पर लोग झेपरा गया मालिक। ओके, तो सर इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी को अपन बाजू में रखते हैं, आज मिक्स नहीं कर रहे अभी, कोर कॉम्पिटेंसी को बाजू में रख रहे। आत्मा क्लियर है सब लोग मेरे साथ? आवाज नहीं आए पक्का? ठीक है, वो कॉम्पिटेंट इनफ है जो कॉपर मटेरियल बहुत अच्छे से बना रहा है। मैं कॉम्पिटेंट इनफ हूं जो सबसे सस्ता बना सकता हूं। मेरी कॉम्पिटेंसी अलग है, उसकी कॉम्पिटेंसी अलग है, कोर कॉम्पिटेंसी बोल सकते हैं अपन इसको। सर कॉम्पिटेंसी उसको एक छोटा सा और एक एग्जांपल मैं बीच में घुसेड़ देता हूं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आया है, पिज्जा हट और डोमिनोज। ओके, कौन सा वाला ज्यादा आपको पसंद है? क्यों ऐसा? दोनों पिज्जा ही है, दोनों ब्रांड लीडर ही है, लेकिन आप देखो इंडियंस को पिज्जा हट से ज्यादा डोमिनोज पसंद है, क्योंकि जो डोमिनोज का चीज है, चीज वैरायटी तो भाई इसमें भी अपन देखते नहीं है, क्योंकि पर डोमिनोज का जो चीज फ्लेवर है, डोंट यू थिंक दैट चीज फ्लेवर इज मच बेटर देन पिज्जा हट? दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं, दैट इज कॉल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। उसकी कुछ कॉम्पिटेंसी है जो उसमें नहीं है। तो सर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है? ओके, नहीं मैं मेरे को आने दे अभी नहीं, तो मैं मतलब कल आ जाएगा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ओके ठीक है ना सर, चल आएगा, डिस्कस करेंगे मालिक। तो सर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है मालिक? सुनिए, इंडस्ट्री में जितने भी मार्केट में प्लेयर है, इंडस्ट्री में या मार्केट में जितने भी प्लेयर है, उनके एवरेज से ज्यादा अगर मैं कमा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इंडस्ट्री में जो भी प्लेयर है, मार्केट में जो भी प्लेयर है, उसके एवरेज से अगर मैं ज्यादा कमा रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। यानी टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं आपको बोल रहा हूं, इफ इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा, क्या बोला मैंने? इंडस्ट्री, वापस आता है वर्ड इंडस्ट्री, अगर मेरा प्रॉफिट है इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा मेरा प्रॉफिट है, तो इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अब इंडस्ट्री एवरेज कैसे निकलता है, इसके लिए थोड़ी सी चर्चा, एक मिनट की चर्चा कर रहा हूं मैं। देखिए स्क्रीन पे देखिए, ए है, बी है, सी है, डी है, चार प्लेयर है मार्केट में। चार प्लेयर में अगर मैं ए की बात करूं, ए के पास कुछ 60% है, ओके, बी के पास 30% है, सी के पास 9% है, और डी के पास 1% शेयर है। ये शेयर की बात कर रहा हूं, शेयर मतलब प्रॉफिट लो, टर्नओवर लो, जिसपे भी आप डिवाइड करना चाहते हो। आपके हिसाब से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज किसके पास है? ए के पास है, क्या बी भी आ सकता है? अच्छा मेरे को बताओ, अगर इंडस्ट्री एवरेज निकाले तो कितना आता है? 50? कुछ भी मां कसम मजाक कर रहे हो, इंडस्ट्री एवरेज कैसे निकालेंगे? 100 डिवाइड बाय जितने प्लेयर्स है, कितने प्लेयर्स है? चार, और चार प्लेयर्स के हिसाब से 25% आ रहा है, तो मेरे को बताओ कितने जन को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है? एक जन को, मर जाऊंगा मां कसम है साला। कितने जन को? दो जन कौन? ए एंड बी, पक्का क्लियर है? लेकिन ये आंसर नहीं है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सिर्फ एक जन को होता है। किसको होगा? ए को। सर बी को नहीं हो सकता,
अगर एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऐसा हो ही नहीं सकता, आप नहीं बोल सकते मेरे को भी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, इसको भी है, इंडस्ट्री एवरेज बोला ना सर आपने, मैं वही समझा रहा हूं इंडस्ट्री एवरेज कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इंडस्ट्री एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इधर डी को लेने का कोई मतलब ही नहीं है, इधर डी का कोई रोल ही नहीं है इंडस्ट्री एवरेज के लिए, क्योंकि डीए के पास कितना परसेंटेज है, 1%। और शायद अगर ये ए कंपेयर कर रहा है अपने आप को इस इंडस्ट्री में, ए तो सी को भी नहीं लेगा, क्योंकि ए जब अपना एवरेज निकालेगा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के लिए, ओके, ए वो शेयर कंसिडर करेगा जो उससे कंपीट करने लायक है। तो मेरे को बताओ ए कैसे कैलकुलेट करेगा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ए कैसे बोलेगा मेरे को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है या नहीं है। ए 100 को डिवाइड करेगा किसमें, दो में, और कितना आ गया मालिक दो का, 50%। क्या ए के पास 50% से ज्यादा शेयर है, बात खत्म। ए बोलेगा मेरे को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है क्योंकि मेरा मैक्सिमम शेयर, मतलब ए बी को या ए सी और डी को बी जैसा ही कंसिडर कर रहा है, वो बोल रहा है मेरे लिए सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटर है, कौन, बी, और बाकी शेयर भी बी खा लेगा, ऐसा एज्यूम कर रखा है उसने, इसलिए वो इंडस्ट्री एवरेज कैसे निकालेगा। समझ में आया, इंडस्ट्री एवरेज वो 100 / 4 नहीं करेगा, 100/2 लॉजिक समझा क्या, 100/2 क्यों किया एवरीबॉडी। तो अब क्वेश्चन आता है एसएम का मोटिव क्या है, एसएम का मोटिव है ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको दिलवाना, एसएम का पूरा मोटिव, अगर आप 5 स्टेप फॉलो कर रहे हो आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आने की पूरी, मैं नहीं बोल रहा होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है एक ही स्टडी उल्टी पड़ जाए। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैंने कुछ स्टडी सोची होगी, मेरा कंप्यूटर चुपचाप बैठेगा घोटे खेलेगा क्या, क्या वो भी स्ट्रेटजी रिएक्टिव करेगा। अच्छा ठीक है, सुनो सुनो, मेरी प्लान स्ट्रेटजी है, मेरी प्लान स्ट्रेटजी है, ओके, पंडर नाम क्या है, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की स्ट्रेटजी उसने डिसाइड ही नहीं किया है, मैंने कुछ नया कॉपर का मटेरियल लिखा, अच्छा कॉपर के मटेरियल छोड़ दो, कॉपर के मटेरियल के ऊपर स्टिकर लगा दिया मैंने, नया इनोवेटिव आइडिया, और मैंने बोला मां कसम मेरा धंधा तोड़ हुआ क्योंकि मैंने कॉपर के ऊपर स्टिकर लगाया, ओके, और किसको अट्रैक्ट किया, मेरी बेटी जैसे लोगों को, मैंने बोला ये लोग खरीदेंगे, ओके, मेरे को बताओ क्या वो अनिरुद्ध चुपचाप बैठेगा, क्या वो इसको कॉपी नहीं करेगा, करेगा ना मालिक, क्या बस वो हो सकता है उसके डिजाइन कुछ अलग हो, लेकिन क्या वो कॉपी नहीं करेगा। तो जो आप सोचो ना, मैंने प्लान किया था और मैंने सोचा था ये सेल मेरे को आएगा, क्या ये सेल अब मुझे पूरा मिलेगा या अनिरुद्ध के पास भी जाएगा, गड़बड़ है ना, ओके, इसीलिए एसएम क्या बोलता है, एसएम बोलता है मैं तो तेरे को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लाने के लिए मर रहा हूं, एसएम बोल रहा है मैं तेरे को क्या लाने के लिए मर रहा हूं, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, लेकिन तेरे को ये समझना होगा क्या एनवायरमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, क्या उस चेंजेस को तुझे अडॉप्ट करना है, यस, ओके, आंसर लिखोगे नहीं, तीसरा पॉइंट लिखोगे नहीं आप, रुको रुको, लेकिन मैं आंसर करवा रहा हूं, एक आंसर आपके दिमाग में जाना चाहिए, ओके, जो आप लिखोगे नहीं, लिखोगे नहीं, लिखोगे नहीं, ओके, सर क्या आंसर करवा रहे हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम, क्या बोला मैंने आंसर, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम आर देयर, टू, सबसे पहला, ओके, टू क्या अचीव करना है, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, इधर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, एंड क्या एनवायरमेंट में चेंजेस हो सकता है, तो उसमें कंपनी को क्या करना है, गाइड करना है ताकि वो एनवायरमेंट से क्या कर सके, अडैप्ट कर सके, टू गाइड द कंपनी टू अडैप्ट द चेंजेस इन एनवायरमेंट। तो हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट आर देयर, नाम बता, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, टू गाइड द कंपनी टू अडैप्ट द चेंजेस इन एनवायरमेंट, इधर तक क्लैरिटी है, आंसर का डिटेल छोड़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर है मालिक, हाँ या ना। तो मेरा क्वेश्चन है, मैं वापस बोल रहा हूं, स्ट्रेटजी नहीं, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट करके मुझे ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या हासिल होगा, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉलोइंग दिस 5 स्टेप्स, भाई साहब इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा मुझे कमाना है, किससे ज्यादा मुझे कमाना है, समझा इधर तक, नहीं आहा ना आवाज पक्का, खाली कमाना ही है, अगर आपका कमाना ही है तो प्लान करके जाते थे, फिर वापस रिएक्टिव स्ट्रेटजी क्योंकि एनवायरमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, क्या उसको अडॉप्ट करना जरूरी है, बात खत्म, भारत माता की जय, झेपा के मालिक, एवरीबॉडी नोट्स के चैप्टर 3 में आइए। सुनो सुनो, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बार मैं पूरा फुल फ्लेज बेस रेडी करूं उसके बाद मैं चैप्टर वाइज ही जाने वाला हूं, ऐसा मिक्स मैच नहीं करने वाला हूं, लेकिन स्टार्ट में जब तक एसएम में कुछ कीवर्ड्स आने वाले हैं डेफिनेशन में, तब तक मेरे को चैप्टर दूसरे दूसरे चैप्टर में शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो एक बार आप जाओगे चैप्टर 3 की तरफ, चैप्टर 3 का पेज नंबर 3.1 नहीं रहे, 1 सेकेंड, पेज नंबर 3.17 पे आइए, 3.17 स्वॉट के नीचे,
वो बाद में डिस्कस करेंगे, उसको अभी डिस्कस करके वो समझेगा नहीं। याद कर 600 साल पहले, 600 साल पहले का छोड़, पहले अभी अभी का देख। ओके ओके 3.17 की, 3.17 की लास्ट लाइन रीड करोगे आप, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 3.18 की फर्स्ट लाइन ऐड करोगे, लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन ऐड करोगे। रीड करिए, द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज अचीव्ड एडवांटेज ओवर राइवल्स, मतलब कौन? कॉम्पिटिटर्स। समझ में आया? ओके, व्हेन कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इज ग्रेटर देन एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म्स इन इट्स इंडस्ट्री। समझ में आया? उस इंडस्ट्री में जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके एवरेज से ज्यादा अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, हम उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम क्या नाम देते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। छेपा क्या मालिक? हा या ना? पक्का लॉजिक बैठा क्या? ठीक है, अब मेरे को बताओ, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था आपको कुछ याद आ रहा है? ए बी सी डी, डी में कितना परसेंटेज था? 1। क्या ए उसको कंसिडर करेगा क्या? पक्का ना? ओके, और डी को तो सोचने की बात ही नहीं है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं है। डी को जन्म लग जाएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग डी और कुछ स्ट्रेटजी बनाएगा। अच्छा, एक सोच के बताओ, एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगा बताओ। ए बी सी डी आपको पता है, मेरे को बताओ सबसे ज्यादा शेयर किसके पास था? एवरीबडी एग्री? ओके, तो ए का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? बी। अब बी को ए से कंपीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, पर क्या स्ट्रेटजी बनाएगा बी? सोच के बताओ कुछ ऐसा, आपको क्या लग रहा है? ओके, उसने क्या करना चाहिए? ओके, अब देखो वो ऑल टुगेदर मार्केट पेनिट्रेशन आप ज्ञान चेपोगे वो छोड़ दो, मैं आपको बता रहा हूं उसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। उसने पहले किसको अप्रोच करना चाहिए? सबसे पहले सीधा डी के पास जाना चाहिए। डी को बोलना चाहिए औकात में रहे, कंपनी मुझे बेच, तू डाइवेस्ट कर और तू जिधर अच्छा उधर चले जा, और मेरे लिए कौन सी स्ट्रेटजी होगी ये? मेरे लिए मतलब मैं कौन? बी। बी के लिए कौन सी होगी? एक्सपांशन, मर्जर एक्विजिशन होता है ना, तो पहले वो डी को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। ओके, डी और सी, पहले किसको एक्वायर करने की कोशिश करेगा वो? डी को। सी को क्यों नहीं? पहले जो सबसे लो छोटे छोटे होते ना, पहले उसको एक्वायर करो, कॉन्फिडेंस बढ़ता। पहले छोटे छोटे को एक्वायर करो, कॉन्फिडेंस बढ़ता। अब मेरे को बताओ डी ने हाँ करेगा ही? डी हाँ रे, डी उस मार्केट में रहकर क्या करेगा जिस मार्केट में उसका सिर्फ कितना परसेंटेज शेयर है? 1%। अब मेरे को बताओ 1% में प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी उसकी? ओके, अच्छा मेरे को बताओ कॉस्ट कब कम होता है? ये मैंने समझाया हुआ आपको, कॉस्ट कब कम होता है? जब वॉल्यूम ज्यादा होता है या वॉल्यूम कम होता है? जितना ज्यादा वॉल्यूम कॉस्ट कम होते जाता है, इसको एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं? ठीक है, लेकिन लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना कॉस्ट मेरा कम होगा ना रे। अब मेरे को बताओ इतने वॉल्यूम को मेरे को बढ़ाना है या इतने वॉल्यूम को बढ़ाना है? खाली 10-15 बच्चों में किसमें कॉस्ट ज्यादा जाएगी मेरी? 10-15 में वॉल्यूम जितना बड़ा होगा मेरा कॉस्ट कम होता दिख रहा है ना मेरे को। ओके, और शायद ये कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा फिक्स कॉस्ट होता है, मालूम है ना, वेरिएबल कॉस्ट होता है। मेरे को बताओ एक फिक्स कॉस्ट जो मेरे को लगने वाला है 10 बच्चों को पढ़ाओ या 600 को पढ़ाओ, मेरे को फिक्स कॉस्ट जाने वाला है, मेरे को बताओ किसमें मेरे को कॉस्ट परवड़ने वाली है? 600 में परवड़ने वाली है, 10 बच्चों में किधर परवड़ने वाली है यार? ओके, तो कॉस्ट किसमें पड़ती है? ज्यादा वॉल्यूम या कम वॉल्यूम? कम वॉल्यूम। कम वॉल्यूम में कॉस्ट बढ़ती है और कॉस्ट कम कम होती है, तो मेरे को बताओ। ओके, डी का क्या हाल है? तो मेरे को बताओ क्या डी को परवड़ रहा है? तो डी बेटर ऑप्शन क्या करेगा? सेल ऑफ करेगा। वो किसको, उसको बेटर प्राइस कौन देगा? ए या बी? दोनों एक्वायर करने के लिए सोच रहे, सोचो ए भी एक्वायर करने की सोच रहा है और बी भी, कौन बेटर ऑफर दे सकता है? जनरलाइज डिस्कस कर रहे हैं अपन, कौन बेटर ऑफर देगा, बी देगा या ए देगा? 101% उसको बेटर ऑफर कौन देगा? बहुत जन ने ए बोला भी, कितने जन को लग रहा है बी देगा? बी, काफी जन को लग रहा है बी देगा। ओके, एक्चुअली देखा जाए तो बी देगा। सर आप बोलोगे ए देगा क्या? ए नहीं देगा ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूं देखो, अगर ए बोल रहा है और तेरे को ऑफर दिया और तू उस अमाउंट में नहीं माना, ए बोला मैं एडवर्टाइज करके तेरा सेल ले लूंगा। ए का स्ट्रेटजी ऐसा होता है कभी भी, क्योंकि ए के पास क्या है? वॉल्यूम, और उसको मालूम है वॉल्यूम के पीछे और वॉल्यूम आएगा, तो ए को ज्यादा वरी है क्या? नहीं। पर कौन एकदम बहुत एकदम रिगरसली फॉलो करेगा? बी। अगेन स्ट्रेटजी 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 का डिस्कशन, नेवरदलेस मेरे ख्याल से क्लियर है तक तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझा? ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट सुनिए, लिखाने का पॉइंट एक दो मिनट के बाद। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों मिला ए को? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों मिला? अच्छा, ए को ए का कितना परसेंटेज शेयर है? 60%। एवरीबडी एग्री? 60 था ना अपना,
60% है, उसके पास 60% क्यों है, बी के पास क्यों नहीं है? नहीं, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इज 60%। मेरा क्वेश्चन है सेल ज्यादा ही 60% है। मेरा क्वेश्चन है ए के पास ही क्यों जा रहे हैं? मेरा क्वेश्चन है ए के पास ही क्यों जा रहे हैं ये लोग? ब्रांड वैल्यू, एक आंसर आया ब्रांड वैल्यू। अच्छा मेरे को बताओ, ओके एक कोई बंदा है वो एप्पल पे ही क्यों जा रहा है? एप्पल पे जाने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें से कैमरा बहुत बेहतरीन है, लेकिन कैमरे के लिए तू 1.5 लाख देगा क्या? ऐसा सोच रहा तू, बोले अगर अगर तेरी विश खाली कैमरे की है, मेरे को बता बेटर ऑप्शन, खाली कैमरा चाहिए तेरे को, बेटर ऑप्शन क्या है मालूम है? वीवो और ओप्पो ले और कोई अच्छा कैमरा ले, फोन के ऊपर वो एक्सपेंडिचर करके गया लॉजिक है। हाँ, लेकिन तू बोल रहा है नहीं मेरे को हैंडी चाहिए और मैं फटाफट फोन खींचू इसके लिए, ये लॉजिक नहीं बैठता यार, सही नहीं बैठता, ये अलग अलग है। तो फिर एप्पल क्यों खरीदता है? ब्रांड, ठीक है। जैगुआर 1.5 करोड़ की, भाई अपन अपन जब लिए तो 1.5 करोड़ की मारी, ओके मेरे को बताओ उसको 1.5 करोड़ क्यों दिया जैगुआर को? ओके डेफिनेटली उसके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स थे, मैं बता रहा हूं आपको मालूम नहीं होगा, तो जैगुआर में मसाज सीट है भाई, बैठा ओके गाड़ी मसाज करती भाई, मतलब एकदम आराम से पैर वैर एकदम एकदम मस्त सुकून मिलता भाई, इधर से जाने के बाद एकदम रिलैक्स मोड में, XJL मॉडल है उसमें ही मिलता ही है। अब XF लोगे XE लोगे 40 लाख 50 लाख में ये मसाज नहीं मिलता, ओके नहीं उसमें कोई दूसरे, पर इसमें ये नहीं मिलते XJL, तो मसाज है, लग्जरी है, फील है, पावर है, 3.5 लीटर इंजन है, मतलब वो थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स है, फिर भी 1.5 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, फिर भी 1.5 करोड़ क्यों दिया? ब्रांड, कुछ ब्रांड के कारण से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे आप कुछ खर्चा करते हो। मेरे को बताओ आप पानी की बॉटल खरीदना चाहते हो, आप क्या मांगते हो? पानी की बॉटल बोलते हो या बिस्लरी बोलते हो? क्यों बिस्लरी क्यों बोलते हो? ब्रांड, तो ऑक्सीरिज मांगते ठीक है ऑक्सीरिज, दूसरा कुछ आप मांग रहे हो। सुनिए 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 एक सेकेंड, नहीं मेरे को बताओ टूथपेस्ट लेने गए अपन क्या बोलते हैं? कोलगेट, भले वो दूसरी टूथपेस्ट देखेंगे अपन, अपन क्लोजअप देखेंगे बाद में देखेंगे, लेकिन एक कैजुअल मांगना क्या होता है? कोलगेट। बिस्किट बोला तो पार्ले जी होता है, कोई क्रैक जग बोलेगा पार्ले जी बोलेगा, मोनेको, व्हाटएवर, लेकिन आप समझ लो बहुत बहुत सारा यूसेज वाला प्रोडक्ट्स, पतंजलि, पतंजलि का एक प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है मालिक, कौन सा वाला? टूथपेस्ट, टूथपेस्ट छोड़ दिया तो बाकी सब, एलोवेरा भी हो सकता है, पता नहीं मैं तो खाया नहीं एलोवेरा में, अपने बापू तो फुल फैन है पतंजलि के, नहीं अपने घर पे अपना बापू फुल फैन है, ओके मतलब मैं सही में बता रहा हूँ, कोविड के पहले से वो मेरे मतलब 2015 से मेरे पीछे पड़ते थे, भाई बाबा रामदेव का प्राणायाम कर प्राणायाम कर प्राणायाम कर, पहले तो प्राणायाम करने के पीछे थे, फिर बाद में उनके प्रोडक्ट आए, उनके बाद प्रोडक्ट खरीदने के पीछे थे, तू यही ले तू यही ले, फिर मैं ठीक है मतलब मैं कंज्यूम करता था मतलब टूथपेस्ट वगैरह ऐसा है, बाकी तो बिस्किट आए तो खाया, मतलब 2-3 खाने के बाद छोड़ ही दिया। मैगी एक बार बनाई थी मैंने, उसके बाद मैं सोची भी नहीं वो मैगी बनाने की, ओके ठीक है भाई प्रोडक्ट बनाने का अपना अपना लॉजिक है, आटा मैगी वगैरह, ओके आई डोंट नो, ओके अपर प्राणायाम का कॉन्सेप्ट था, मतलब मैंने वो एकदम बहुत भारी है वो प्राणायाम, ओके थोड़े 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 भाई बहुत बहुत बेहतर है। अब क्वेश्चन है, अरे नहीं भाई आप इमेजिन करो, अपन अपन भले जोक मार रहे हैं, वो बंदा ओके इस प्रोडक्ट को लॉन्च बाद में किया, पहले प्राणायाम को हिट किया, पहले अपने आप को हिट किया, बाद में वो एंटर किया, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या भारी है, मतलब मैं आपको बता रहा हूं जितना मार्केटिंग दूसरे FMCG कंपनीज को लगता है ना, उससे आधे कॉस्ट में मार्केटिंग इन प्रोडक्ट्स का हुआ है, उसके बाद वो सस्टेन नहीं हुआ अलग इशू है, किस हद तक सस्टेन हुआ उसका अलग अलग इशू है, लेकिन मैं मार्केटिंग कॉस्ट की बता रहा हूं, क्योंकि उनका चैनल ऑलरेडी रीच था सब लोग के बीच में, उनको कम्युनिकेट करना बहुत आसान था, क्योंकि बहुत सारे जन उनको आइडल देख रहे हैं भाई, ओके अब मेरा सवाल वापस वही आता है, ओके अब जब ब्रांड वैन की बात कर रहे हो, ये सब बात कर रहे हो, मेरा क्वेश्चन ही आ रहा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ए के पास क्यों है? वो एक रीजन, अच्छा चलो ए और बी को अपन डोमिनोज और पिज्जा हट में डाल देते हैं, ए डोमिनोज है बी पिज्जा हट है, इनोवेशन ठीक है, आई फैक्टर इनोवेशन कैन बी देयर, इनोवेशन के अंदर भी ए टेस्ट के अंदर भी एक चीज का फ्लेवर, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, किसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बेहतर है? डोमिनोज पिज्जा हट का उत्तर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आप देखोगे तो पूरे मतलब हार्डली 2-2 किलोमीटर में डोमिनोज मिलते जाएगा, लेकिन पिज्जा हट आपको शायद 15 किलोमीटर के बाद किधर एक में मिलता है, तो मेरे को बताओ किसके चेन्स ज्यादा है?
ये पॉइंट है। अच्छा मेरे को बताओ, आप पुणे में हो, पुणे में आपने डोमिनोज खाया और अब आप सोच रहे हो उत्तराखंड जाते हो, उत्तराखंड मालूम है एक्सट्रीम, उत्तराखंड अब उधर जाके डोमिनोज खाते हो, डोमिनोज उधर बन रहा अलग से, हाँ उधर भी डोमिनोज है, टेस्ट सेम होगा या अलग होगा? पक्का ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं चीज कौन सा, आप पॉसिबल समझ रहे हो आप? ये ग्राउंड्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं, सुनिए सुनिए मालिक सुनिए, कोर कॉम्पिटेंसीज। क्या बोलते हैं? मेरे अगेंस्ट अभी अगर मैं कुछ बना रहा हूं या मैं कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, अगर वो आप भी मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो, ये होती है कॉम्पिटेंसी। कान खुले मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या होती है? कॉम्पिटेंसी। अगर मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और आप भी मैन्युफैक्चर कर पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। लेकिन आपसे वो चीज मैं बेहतर तरीके से कर पा रहा हूं, या तो डिजाइन में, या तो कॉस्ट में, या तो सेल्स में, या तो सर्विस में, किसी न किसी रूप में, जिसकी वजह से मेरे को मार्केट शेयर ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब मेरे पास क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी। यानी मेरा क्वेश्चन है, मुझे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज चाहिए तो मुझे क्या बेहतर करना पड़ेगा? कॉम्पिटेंसी को बेहतर करना पड़ेगा, और कॉम्पिटेंसी को क्या बनाना पड़ेगा? कोर कॉम्पिटेंसी। तोड़ कॉम्पिटेंसी ने भाई, कोर कॉम्पिटेंसी। ओके सुनिए सुनिए सुनिए, लास्ट पॉइंट भाई, माई भाई साहब प्रॉब्लम ये है कि इधर जितने बैठे हुए ना सबके दिमाग में आएगा कॉम्पिटेंसी मतलब एक स्किल होती है। हाँ मैं नहीं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप गड़बड़ करोगे अगर आप खाली एक जन की स्किल पे देखोगे, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा आपके इसमें। बहुत जन आप बोलोगे, आप बहुत बार ये बोलोगे अरे सर कॉम्पिटेंसी तो एक जन की स्किल होती है, एक जन का पॉइंट होता है, कॉम्पिटेंसी स्किल होती है एक जन की, लेकिन कोर कॉम्पिटेंसी इज नॉट वन पर्सन स्किल, इट इज अ ग्रुप का स्किल। ओके जो ग्रुप का स्किल होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स होता है ना, तब जाके अपन कोर कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। यानी एग्जाम्पल डोमिनोज, आप पुणे में खाइए उत्तराखंड में खाइए, बनाने वाला कोई भी होने दीजिए, टेस्ट सेम आता है, इसको हम कोर कॉम्पिटेंसी बोलेंगे। अगर डोमिनोज पुणे में टेस्ट अलग आ रहा है और उत्तराखंड में टेस्ट अलग आ रहा है, ये कोर कॉम्पिटेंसी नहीं हुई। कॉम्पिटेंसी हो सकती है, लेकिन कोर कॉम्पिटेंसी के लिए मैं कहीं पर भी रहूं, वो स्किल सेट मैनेज होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ऑनलाइन सब बंद कर दो एक बार के लिए। आप इमेजिन करो, मतलब तुम बंद मत करना लेक्चर बे, ऑनलाइन बंद मत करना, मतलब भाई मतलब मैं बोल रहा हूं ऑनलाइन मार्केट मेरा एक बार बंद कर दो। अगर इधर मैं बहुत बेहतरीन पढ़ा पा रहा हूं, बहुत बेस्ट, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत तोड़ है, मेरा लास्ट में रिवाइज कराने का बहुत तोड़ है, मेरा शॉर्ट टाइम में रिवाइज करना बहुत तोड़ है, बहुत तोड़ है मतलब बहुत तोड़ है, मैं आपको बता रहा हूं। और जितना कम टाइम में रिवाइज होता है उतना मल्टीपल टाइम रिवाइज होएगा और उतना आप टाइम बचा सकोगे, यही तो बहुत बड़ा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है अपने लिए। ओके कस्टमर सपोर्ट अपना तोड़ है, तो आप कभी भी आपको इंक्वायरी करो, मैक्सिमम टाइम मैं आपको फटाफट रिस्पांस करते मिलूंगा। अगर आपने कोई भी टाइम पे डाला, आपको एंड ऑफ द डे में आपको मेरा रिस्पॉन्स मिल ही जाएगा। ओके मेरा स्टाफ भी वैसा ही है, आप भूली से रिस्पॉन्स करो, प्रेम से करो, पार से करो, आप किसी से भी करो, कोई डाउट आया आपको फटाफट रिस्पॉन्स करके देंगे, ये गारंटी, नहीं तो उनकी ठोक दूंगा मैं। उनको मालूम है, उनके मेरी सटक है, अगर मेरे पास कुछ कंप्लेंट आ गया, मेरे टेक्निकल टीम का कुछ कंप्लेंट आ गया, उनको मालूम है मैं कैसे बजाता, और मेरा बजाना मतलब एकदम खतरनाक है, स्लैंग लैंग्वेज है और साथ में तुम समझो बैड वर्ड्स मिक्स में। ओके अब बैड वर्ड्स मतलब आपके लिए बैड है, मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लॉजिक ये है। तो अब मेरे को बताओ ये सब कॉम्पिटेंसी है, लेकिन मेरे ऑनलाइन लेक्चर नहीं जा रहे मालिक, ऑनलाइन लेक्चर नहीं है, मैं सिर्फ पुणे में बैच ले रहा हूं। ओके अब मेरे को बताओ, अगर कोई दूसरी जगह मैं क्लास चालू करता हूं, दूसरी जगह कोई क्लास चालू करता हूं, उधर मैं नहीं पढ़ाने जा रहा, कोई दूसरा पढ़ाने जा रहा है, क्या ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसी मानी जाएगी? कोर कॉम्पिटेंसी मानी जाएगी, क्या ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसी मानी जाएगी, लेकिन क्या ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसी मानी जाएगी? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप कॉम्पिटेंसी और कोर कॉम्पिटेंसी में समझिए। ओके अगर आप सोच रहे हो कि विनोद सर ने अमित तातेड़ को रिक्रूट कर लिया और विनोद सर के पास कोर कॉम्पिटेंसी आ गई, नहीं, अमित तातेड़ इज ओनली ए वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोर कॉम्पिटेंसी, इट इज नॉट अमित तातेड़, इट इज अमित तातेड़ अलोंग विथ मल्टीपल फैक्टर्स कंबाइन, ओके देन इट कैन बिकम ए कोर कॉम्पिटेंसी फॉर विनोद सर एकेडमी। ओके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोर कॉम्पिटेंसी अकेले बंदे की बात नहीं है, बट हाँ अकेला बंदा, एग्जांपल मैं बहुत तोड़ पढ़ा लू, आप समझो ना मैं तोड़ पढ़ाता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरी सर्विस सपोर्ट भंगार है। ओके आप प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, खरीदोगे, एडवांटेज आएगा, कॉम्पिटेंसी है, लेकिन क्या मार्केट मेरे फेवर में होगा? क्या प्रॉब्लम है ये, इसीलिए कोर कॉम्पिटेंसी क्या बोलता है, कोर कॉम्पिटेंसी क्या बोलता है, कॉम्पिटेंसी मतलब, ओके कॉम्पिटेंसी मतलब अकेले की बात, कोर कॉम्पिटेंसी मतलब अकेले की बात नहीं होती है।
ग्रुप मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन। और कोर कॉम्पिटेंसी में हमेशा याद रखना 5 से 15 चीजें कुछ ऐसी होगी। अब ये 5 से 15 चीजें एक जन की नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन की होगी। ग्रुप की मत बोलिए, ग्रुप अपन यूज कर रहे वर्ड, लेकिन किसकी? अब मेरे को बताओ ये 5 से 15 चीजों में, एग्जांपल चीज आता है डोमिनस के लिए, अब मेरे को बताओ क्या ये चीज उत्तराखंड में भी मिलेगा? सबसे बड़ी बात कोर कॉम्पिटेंसी की ये है कि आप ये कोई भी मार्केट में जाइए, वो मार्केट में आप उस चीज को अप्लाई कर पाओगे, कोई भी मार्केट में जाइए। ओके सर, लेकिन आप मेरे को बताओ आप चाइना में जाओगे डोमिनस पिज्जा खाना? ओके, मैं डोमिनस तो खाया नहीं, पर मैं सबवे खाया था ऑस्ट्रेलिया में। मैं आपको बता रहा हूं सबवे, इंडिया का सबवे और ऑस्ट्रेलिया का सबवे, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको। इंडिया में जो मिर्च मसाला डलता है और उधर का सबवे का कॉन्सेप्ट खाओगे, मां कसम आप मतलब आप सोचोगे मैं क्या खा रहा हूं। ओके, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, दे डोंट यूज मिर्च मसाला बिकॉज देयर कल्चर इज नॉट देयर। तो पर मार्केट डिफाइन करते हैं। तो सर एक स्टेटमेंट पे मैं एक लास्ट पॉइंट पे क्लोज करना चाहूंगा, ओके, जिसपे अपन आज के लिए इस पे वाइंड अप करते हैं और कल अपन इसको चालू करते हैं, जहां पर लिखने का प्रोसीजर, 3 पॉइंट और मेरे को लिखाने हैं, वो मैं लिखा दो। मेरा पहला क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब क्या? नहीं, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब कोर कॉम्पिटेंसी, मार डाल मेरे को। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब इंडस्ट्री के एवरेज से ज्यादा, इज कॉल्ड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा आपको क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके पास क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी। अब सवाल है कॉम्पिटेंसी और कोर कॉम्पिटेंसी में फर्क क्या होता है? अगर एक बंदा तोड़ करता है, कोर नहीं, मैं बहुत तोड़ कर रहा हूं कॉम्पिटेंसी, ओके, लेकिन मेरा पूरा एकेडमी, मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतरीन कर रहा है, और कोर कॉम्पिटेंसी। और एक बात क्या है, खाली पुणे में ऐसी कोर कॉम्पिटेंसी भारी कर रहा हूं या दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा उधर भी भारी करूंगा, उधर भी भारी करूंगा, तब जाके कोर कॉम्पिटेंसी है। अगर आप खाली पुणे में अच्छा कर पा रहे हो, इट इज सोली मियरली लक, इट इज नॉट कोर कॉम्पिटेंसी। इट मे बी कॉम्पिटेंसी बट इट इज मियरली अ लक। अगर आप दूसरे मार्केट में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो वो कोर कॉम्पिटेंसी मानी नहीं जाएगी। मैं वापस बोल रहा हूं, प्लीज मेक इट श्योर, कल स्टार्ट जब करेंगे, ओके, उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन वे से क्लियर कर लेना, बस फिर अपन चालू कर सकते हैं चैप्टर 1। तो कल चालू हो जाएगा अपना चैप्टर 1 का प्रोसेस, हाँ, मतलब आ गया आंसर्स मालिक। जय मालिक, जय 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 भारत माता की जय। तोड़ मालिक, तोड़ अच्छे से जाइए, अच्छे से मजे करिए, खाना वाना ढंग से खाइए।